प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीन अपराध लक्षै कीर्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरु तमंद मतीर दयान्वरा तमादि देवं करुणा निदानं तमाल वर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वर्णकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, इसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी ने बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् योगिनाम निप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। बोले कलयुग से जो उद्धार करना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करनी चाहिए। कहती है नाम संकीर्तन कौन कौन करते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए। बोले इच्छताम अकूत भयम जो संसार से निर्भय पाना चाहते हैं उनको भी हरि कीर्तन करनी चाहिए। और योगी नाम नृप निर्मित बोले जितने वेद पुराण उपनिषद जितने साधु संत योगियों ने सारे शास्त्र को मंथन करते हुए उसमें मक्खन किया निकाले, मक्खन है भगवान के नाम। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति भगवान का नाम कर लिया समझो उसने सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिया। अगर सारे शास्त्र को तुमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम ही तुम्हारी रुचि नहीं हुई सब तो बेकार है। अगर भगवान के नाम कर लिया समझो सब कुछ कर लिया। इसलिए आप देखना हमारे भारत में भले ही जिंदगी में तुम जो कुछ करना कर लो लेकिन अंतिम समय जब आएगा शरीर छूटेगी जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाएगी क्या बोलते बोलते ले जाते, बोलो क्या बोलते बोलते ले जाएगी, वो यही बोलेंगे ना बेटा जीवन में जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया केवल वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया सब यही छोड़ करके जा रहे। अब भैया जब सब छोड़ करके जाओगे जब केवल साथ में ठाकुर का नाम जाएगा फिर जिंदा रहते रहते मरते हुए व्यक्ति को सुना कर क्या ला, वो तो मर गया। इसलिए जिंदा रहते रहते तो भगवान का नाम लो। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवानति शब्दते। बोले एक ही भगवान इनका तीन प्रकाश है
और उनका तीन तरह का भक्त है। बोले एक प्रकाश है जिसको ज्ञानी लोग अपना ब्रह्म रूप में दर्शन करते हैं, जिनको योगी लोग अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, जिसको भक्त लोग भगवान के रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन वो एक ही भगवान है। तब बोले भैया ये के सबके सब बराबर है? बोले नहीं, ये सबके सब बराबर नहीं है। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजन आया, किसी राजा ने उसका सेवक को भेजा, तुम देख करके आओ, मैंने सुना बड़े सुंदर दशहरी चूसा मार्केट में आम आया है। पहला सेवक गया, केवल दूर से देख करके आ गया, बोले महाराज सचमुच से बड़ा सुंदर आम है। और एक सेवक को भेजिए, बोले तू देख करके आ। उसने गया देखा और उसको स्पर्श किया और उसको सूंघा, बोले महाराज बड़ा सुंदर आम है। तीसरे सेवक को भेजा, तू देख करके आ। उसने देखा स्पर्श भी किया और उसने 5 किलो आम लाए, ठंडा पानी में भिगवाया, अमुनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाए। जब आम खाया ना, बोले भैया आम तो बड़ा मीठा है, आम तो बड़ा मीठा है। हाँ देखो, ध्यान देख रहे सुना, कहते तो एक ही भगवान है, लेकिन एक भगवान होने पर भी उनका जो तीन तरह का भक्त उनका तीन रूप में दर्शन करते हैं। कहते पहला नंबर व्यक्ति कौन जो केवल देख करके आया? कहते ये ज्ञानी है जो भगवान को दूर से एक निराकार निर्विशेष एक ज्योति एक ब्रह्म रूप में दर्शन करता है, ये ज्ञानी है। बोले दूसरा व्यक्ति कौन है जो पास में भी गया उसको सूंघा स्पर्श करके आ गया? बोले ये योगी है। बोले जो तीसरा व्यक्ति गया दर्शन की आम लाया ठाकुर को भोग लगा कर खाया, बोले ये कौन है? बोले ये भक्त है। मतलब है जो संपूर्ण रूप में वो भक्तों को जो मिलता है वो संपूर्ण रूप में भक्तों को ही मिलता है। इसलिए दुनिया में कोई नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहता है योगी का भगवान। किसके भगवान है? बोले भक्त का ही भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। कहते ऐसे जो भगवान है, कहते ये युग युग में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भागवत में ठाकुर जी की 26 अवतार का नाम गिनाया है। पहला अवतार ठाकुर जी श्री पहला रूप में भगवान श्री चतुसन रूप में आए, ये ब्रह्मा की मानस संतान है, सनातन सनदन और सनत कुमार, ये चतुसन रूप में आए। भगवान का जो दूसरा अवतार है ठाकुर जी श्री बराह रूप में आए। देखो बोले शाम का समय में हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? वो 4 काम किया है, ध्यान देकर सुना। पहला काम है एकदम शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उस समय जो पढ़ेगा ना वो सब भूल जाएगा, स्मरण नहीं रहेगा। इसलिए कहते ना बच्चा तो पढ़ता है घर में ठीक ठाक, लेकिन जब पेपर देने जाता है सब भूल जाता है। इसलिए शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा काम है सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी, माँ लक्ष्मी घर से चली जाएगी। तीसरा काम है शाम का समय में स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सहवास करेगा कहते उसका जो गर्भ में जो संतान है वो राक्षस रूप में जन्म लेगा। कहते हिरण्यकश्यप क्यों हुए? कहते इस कश्यप ऋषि के एक पत्नी थी जिसका नाम थी दीति। ठीक शाम का समय में उसने बड़ी सुंदर अपना श्रृंगार करके शीशा के सामने जब खड़ी हुई और अपना रूप को देख करके एकदम अपना रूप में मुग्ध हो गई और उस कश्यप ऋषि को साथ में मिलने के लिए चाहा। कश्यप ने देख दीति ये समय शंकर जी अपना भूत विशाचों को लेकर भ्रमण करते हैं, इस समय मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन उसने जोर जबरदस्ती पति से मिला। कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म ग्रहण करेगी। इसलिए आप कभी कभी देखना बच्चे तो कभी सुंदर बच्चे होते हैं, सवेरे उठेंगे पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता की आदेश से पालन करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं इतने उद्दंड होते हैं पिता माता को बड़ी सताते हैं। कारण क्या है? जिस समय स्त्री ने गर्भाधान की
उस समय सही नहीं था हैं। इसलिए ये सब काम शाम का समय में नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए, शास्त्र पढ़नी चाहिए शाम का समय में। ठाकुर को सेवा पूजा करनी चाहिए, तब वो समय बढ़िया बीतता है। इसलिए जो दूसरा अवतार ठाकुर जी की बराह अवतार में जिस समय हिरण्याक्ष ने बड़ी उत्पात मचाई, भगवान ने बराह अवतार लेकर के उन्होंने ये हिरण्याक्ष को ठाकुर जी ने वध किया है। बोले ठाकुर जी का जो तीसरा अवतार है, बोले श्री नारद जी रूप में ठाकुर जी आए। कहते इनका नाम है नारद। नारद मतलब क्या है? बोले नर मतलब होता है रस है, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान प्रदान करे। बोले नर मतलब होता है आसक्ति और द मतलब होता है जीव का सारे आसक्ति को जो नष्ट करे। इसलिए जिस समय श्री दक्ष प्रजापति ने 10,000 संतान को उन्होंने जन्म दिया, पहले मानस भी जन्म होता था, पहले नियम होता था गुरुकुल में सबको जाना पड़ता, बोले जाओ बच्चों गुरुकुल में वेद अध्ययन करके आओ। तो गुरु जी कौन बने? बोले श्री नारद जी। जब इनकी लिखाई पढ़ाई अच्छे तरह से हो गया, बोले देखो बच्चों पढ़ाई लिखाई तो हो गया, अभी तो तुम लोग घर गृहस्थी करने जाओगे, इतनी सावधान से जाओ। इसलिए ये संसार क्या चीज पहले समझ करके जाओ। इसलिए नारद जी वो बच्चों को कुछ प्रश्न किया है, आप लोग सब मैं प्रश्न करता हूँ उत्तर देना। कहते पहला नंबर इनका क्वेश्चन है, बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं, वो चक्र अपने आप घूम रही है। बताओ कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई घुमाते नहीं, जो चक्र अपने आप घूमती है। कहते ये काल चक्र है। जैसे जन्म हुए, बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई किया, शादीशुदा हो गई, धीरे धीरे बच्चे धीरे धीरे देखना आंख में कमजोरी, दांत गिरने लग गया, चमड़ी ढीली, देखते देखते राम नाम सत्य है। ये चक्र को कोई नहीं घुमा रही, ये चक्र अपने आप घूम रहे हैं। बोले सभी का काल चक्र तो घूम रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का काल चक्र घूम नहीं रहा था, एकदम बंद है, उसकी काल चक्र नहीं घूम रहे। बताओ इसे कौन सा? कहते तस्सरिते जम क्षण नीत उत्तम श्लोक वार्ता। कहती जो सूरज है ये सूरज नहीं, ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाती है। हम कहते ना हमारा लाला तो बड़ा हो रहा है, भैया कोई जीवन में बड़े नहीं हो रहे, सबके जीवन में छोटे हो रहे, सबके सब छोटे है। कितने उम्र के? बोले 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। भैया हम 50-60 साल के नहीं हुए, हमारे 50-60 साल चला गया है, नष्ट हो गया है। लेकिन इस सभी का परमायु तो नष्ट हो जाता है, लेकिन किसकी परमायु नष्ट नहीं होता है? बोले जितना समय हम ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर का कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुन रहे ना, उतना समय ही हमारा बच जाती है, नहीं तो और सारे समय हमारी नष्ट हो जाती है। उनका दूसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार जी फंस जाए ना, निकल घुस जाए, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। बता सकते हैं ऐसे कौन सा बील जिसमें एक बार घुस जाओ और निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा? बताओ ऐसे कौन सा बील है? कौन बोलेगा हाथ उठाओ? कहते घर गृहस्थी है, संसार है। अब देखना जितने निकलने के लिए कोशिश करते होंगे उतना फंसते जाओगे, उतना फंसते जाओगे। सोचे भैया लिखाई पढ़ाई कर लिया शायद बच गए, नहीं उसके बाद में नौकरी करो, उसको नहीं बोले शादी करो, शादी करे तो फिर भैया बच्चे जन्म दो, बोले भैया बच्चों को किसी तरह से बड़े बना दिया ना, अगर बच्चे का शादीशुदा हो गया तो भाई कोई चिंता नहीं, बस हमारे काम करता भाई। शादी से बच्चे से शादी से पहले भले थोड़ा सत्संग जाते होंगे इधर उधर घूमने के लिए, लेकिन घर में जो बहू आ गई अभी बहू को देखभाल करना पड़ेगा। अगर नाती पोती हो गए ना बस हो गया तुम्हारी इधर उधर जाना, बोले कि डोकरी घूमते रहती है कोई काम धाम नहीं, इधर उधर घूमते रहते, बच्चे को कौन देखेगा? आप देखना जितने निकलने के लिए कोशिश करो उतने दल दल में जी फंस जाते हैं। कभी ये ऐसे एक बील है। इसलिए इनका तीसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है, विचित्र विचित्र बात करता है, कौन सा ऐसा हंस है?
बल्कि ये हमारे वेद है, हमारे पुराण है, ये भागवत है, ये विचित्र विचित्र बात करता है। बोले क्या विचित्र बात करता है? बोले भैया तुम इसी जगत के है ही नहीं, तुम रिफ्यूज हो करके कुछ दिन के लिए यहाँ किराया जा, ये तुम्हारी घर नहीं है, इसलिए भैया बैक टू गॉड हेड, अपना घर में वापस चलो। बोले घर कहाँ है? बोले घर तुम्हारी ठाकुर जी की चरण में तुम्हारी वही घर है, ये घर तुम्हारी घर नहीं, ये विचित्र विचित्र बात करता है, हैं? बोले बताओ तो पिताजी के आदेश क्या, हमारे परम पिता हमें क्या आदेश दे करके भेजा है? बोले भगवान की केवल एक आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु भी स्मर्तव्य न जातु चिता। उनका केवल एक आदेश है, हर समय ठाकुर जी का स्मरण करो, निषेध किया कभी उनको भूल मत, उनको कभी भूलना नहीं, आदेश है हर समय उसकी स्मरण करते रहो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हर मुंह से क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, अब लोग कोई बोलते नहीं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए नारद जी की संग जिसकी मिल गया ना, बस उसकी कल्याण ही कल्याण हो गया। इसलिए श्री नारद जी के विशेष करके चार चले हुए हैं, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव हुए और एक प्रह्लाद हुए। ऐसे नारद जी की कृपा है, इसलिए कहते हैं ना, जनमा जनमा मोनि जत न कराए, जनमा जनमा जतन करने पर भी अंतिम समय में ठाकुर का नाम नहीं आता है। लेकिन देखो नारद जी की जिसको पर कृपा हो गया ना, ध्रुव प्रह्लाद, इन्होंने 5 साल उम्र में ठाकुर का दर्शन किया। ध्रुव जो 5 साल में प्रभु का दर्शन किया, और प्रह्लाद ने उसको पिताजी ने पूछा, बताओ तेरे हरि कहाँ हैं? तेरे हरि कहाँ हैं? जिसको तुम भगवान भगवान बोल, तो भगवान तो मैं हूं। स्वर्ग से इंद्र को भगा दिया, पृथ्वी लोक पाताल लोक में मैं अकेला राजा हूं, तो हरि हरि कह, तो हरि तेरे कहाँ है? बोले पिताजी ये बताओ मेरे हरि कहाँ नहीं तो बताओ, मेरे हरि तो कणकण में व्याप्त है। बोले पहले तेरे हरि को दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। बोले ये खंभे में मैं क्या है? बोले कि मेरे को तो दिख रहा है, ठाकुर जी बैठ करके मुस्कुरा रहे। तो उन्होंने मुष्टि का घात किया, खंभा फट गई, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए इन्होंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया 5 साल उम्र में, ऐसे इनकी नारद जी की कृपा है। कहते इनकी दो वृद्धा चले हुए, बोले कौन कौन? बोले एक वाल्मीकि हुए और एक श्री व्यास के बने। कहते इनकी दो चले, ऐसे दो ग्रंथ बनाए जो जगत के लिए अनमोल ग्रंथ है। वाल्मीकि तो रामायण को बनाए और श्री व्यास देव जी श्री भागवत ग्रंथ को बनाए। कहते भगवान की। कहते तीसरा अवतार श्री नारद जी। कहते चौथा अवतार ठाकुर जी की। बोले नर नारायण रूप में ठाकुर जी बद्रिका आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? ठाकुर जी ने देखा कलयुग का जीव इतने तपस्या कर ही नहीं सकता है। अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ जाए और ठाकुर जी का एक बार दर्शन कर लेना, उनको दर्शन मात्र से ही, ठाकुर जो तपस्या करते हैं उसका छठवां भाग फल दर्शन मात्र से ही मिल जाती है। इसलिए बद्रीनाथ जरूर जानी चाहिए। कौन कौन गए? एक दो। कौन कौन जाना चाहते हो बताओ? अब सबको हम एक बार ले जाएंगे, ठीक है? सबको एक दिन में ना, अब तो 4 धाम नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ जमुनोत्री गंगोत्री,
कहते अगर 10 दिन अगर गाड़ी में कंटिन्यू चलोगे 10 दिन में दर्शन होता है, लेकिन आपको हम एक दिन में केवल 4 धाम नहीं पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ आपको एक दिन कराएंगे। कौन करना जाएगा बताओ? एक दिन में, हम सही बता रहे, झूठ नहीं कह रहे, आपको एक दिन में पृथ्वी का जो 6 अरब तीर्थ है एक बार आपको ले जाकर करवाएंगे। ठीक है, जो जाना चाहते हो बाद में हमको बताना, सबको ले जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए उन्होंने ऐसे ही ठाकुर जी की सारे अवतारों का नाम ले रहे थे, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। जब सारे अवतार का नाम ले रहे थे बीच में उन्होंने कृष्ण का नाम भी बोल दिए। बोले जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार है। लेकिन सुतो गोस्वामी बोल करके डर गए। बोले क्यों? बोले भैया कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए इन्होंने फिर कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाते हैं। बोले इत चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम बृढ़यन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, ये जो कृष्ण है ना यही कृष्ण ही ये जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं, कभी कला कभी अंश रूप में। इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया। बोले अर्जुन देख मैं कौन हूं, जितने मत्स्य कुर्म अवतार सबके सब मेरे अंदर में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। हे अर्जुन, मैं ही जुग जुग में अवतीर्ण होकर के जब ये पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, स्त्री वेद गो ब्राह्मण संतों के ऊपर में अत्याचार होती है, मैं ही जुग जुग में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और धर्मों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए कृष्ण विश्व ब्रह्मांड दिखाती है। हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ। बोले मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं। जैसे एक फूलों की माला बनाते हैं, जैसे देखो जैसे मेरे गला में माला है, ठीक है माला है, लेकिन ऊपर तो माला दिखती है लेकिन इसको अंदर में एक धागा है, वो धागा की वजह से एक एक फूल को पोप होकर के माला बनी हुई। अगर धागा को तोड़ दोगे फिर माला रहेगी? सब बिखर जाएगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड इसलिए विद्यमान है, मैं धागा रूप में विश्व ब्रह्मांड को अपना अंदर में मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं हूँ, इसलिए ये विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। इसलिए हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू सब छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा। इसलिए कृष्ण को उन्होंने पूर्ण ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म और सनातन ये भगवान श्री कृष्ण है, जो 16 कला में ये परिपूर्ण ये कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। गद जैसे कृष्ण सर्व कारण का कारण है ना, कहते उनका जो नाम है वो भी सर्व कारण का कारण है। ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय माता पार्वती शंकर जी से पूछे, बोले प्रभु मैं किसका नाम लूं? तब शंकर जी बोले देखो पार्वती आराधना नाम सर्वे सांग विष्णु आराधना पर, जितने आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की। इसलिए भगवान विष्णु की एक नाम है, हैं विष्णु की जो नाम को वो जपा करती थी, विष्णु सहस्र नाम को, जिसमें विष्णु का 1000 नाम है। जब माता पार्वती कुछ दिन विष्णु सहस्र को नाम को जप की, इतने में एक दिन शंकर जी फिर बुलाए पार्वती को। बोले पार्वती धरा तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ, कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। देखो ध्यान देकर सुनो, हम कलयुग का जीव है, नहीं हर युग में भी सब चाहते हैं परिश्रम तो कम हो लेकिन माल और ज्यादा मिले। हम चाहते ना
परिश्रम कम हो और माल हमें ज्यादा मिले। तब उन्होंने बोले देखो तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ। बोले बताओ। बोले राम रामति रामति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुलम श्री राम नाम बरान। बोले हे सुंदरी पार्वती अगर ये विष्णु सहस्र नाम को एक बार पढ़ो। बोले विष्णु सहस्र 1000 नाम पढ़ो। एक बार कोई राम का नाम ले लेना एक राम नाम समान 1000 विष्णु का नाम। हाँ बोले इतना महत्व। तो बोले हाँ। बोले प्रभु फिर तो जिंदे मैं दिन भर क्या करूंगी। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। फिर तो दिन भर रघुपति राघव राजा राम। बोले हाँ पार्वती राम नाम बड़ा प्यारा नाम है। जब कुछ दिन ऐसे गई फिर श्री फिर बुलाए शंकर जी। बोले देखो पार्वती तेरे को और एक सरल नाम बताऊंगा जिसमें कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु कौन सा नाम बताओ। बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिराभित्वा तु जत फलम एक भित्वा तु कृष्णस्य नामैक तद प्रजच्छति। बोले पार्वती अगर ये विष्णु सहस्र नाम को तुम 3 बार लो तुमको जो फल मिलेगा एक बार श्री कृष्ण नाम लोगे ना वही फल मिलेगा। मतलब है एक कृष्ण समान 3000 विष्णु का नाम और 3 बार राम नाम के नाम बराबर है। इसलिए पार्वती जो कृष्ण है ये 16 कला में परिपूर्ण है। ये पूर्ण ब्रह्म कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान जो पूर्ण भगवान है ये कृष्ण है। बोले प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती भगवान कृष्ण बांके बिहारी 16 कला में परिपूर्ण। जब उन्होंने कुछ दिन श्री कृष्ण का नाम लिया शंकर जी फिर बुलाए देखो पार्वती तेरे को आज एक रहस्य बात बताता आप भी ये रहस्य बात सुन लो। बोले क्या है। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप भी तो कुछ दिन पहले बता रहे थे ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है ये तो 16 कला में परिपूर्ण आप ही बता रहे तो फिर आप ही बता रहे तो कृष्ण नाम से एक श्रेष्ठ नाम। बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ ये बांके बिहारी खुद कह रहे हैं। बोले किसको बताए। बोले चंद्रमा को। बोले क्या बताए देखो ये श्लोक है। बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतमं ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किमतम। बोले पार्वती अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले ले और राधा जी का नाम एक बार ले लेना एक राधा रानी का नाम को साथ में मेरे 100 नाम बराबर। फिर तो बोली पार्वती बोलू फिर तो प्रभु राधे ही बोलते रहो सारा दिन क्या करो। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसके नाम लेते हैं जोर से बोलो राधे राधे और जोर से राधे राधे। फिर तो दिन भर राधे 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 बोलो। शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक बड़ा रहस्य। बोले फिर रहस्य क्या है फिर रहस्य क्या है। बोले देख बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी।
पहले आएंगे आएंगे वह राधा रानी नहीं आएंगी। अगर राधा का नाम लोगों ने राधा रानी नहीं आएगी, राधा जी का नाम लेने से वहां बिहारी जी आएंगे। बोले फिर बोले तब जो तो बिहारी बिहारी बोलोगे ना वहां पर राधा रानी आएंगे। बोले प्रभु तो मैं तो बड़े कंफ्यूज में पड़ गया, आज बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो। बोले देखो दोनों का नाम लेनी चाहिए, राधा का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश होती हैं, इसलिए हमें जुगल नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले प्रभु इसमें राधा जी का नाम तो है नहीं क्या? हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, इसमें ये कहाँ है राधा का नाम? बोले जो हरे शब्द है वो राधा जी का ही नाम है। कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को हरण करती है राधा रानी, इसलिए उसका मूल अक्षर हरा है और वो संबोधन में हो जाते हैं हे हरे, मतलब हे राधिके। संस्कृत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत थोड़े बहुत पढ़े हो? हाथ उठाओ कौन कौन संस्कृत पढ़े। बाबा रे सब पंडित बैठे हैं। इसलिए जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना, जैसे रमा शब्द लता, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, लेकिन लता लते लता लताम लते लता लताभ्याम है ना, उसमें देखना संबोधन में हो जाता है लते। रमा शब्द भी हो जाते हैं हे रमे, इसका मूल शब्द हरा, संबोधन में हो जाते हैं हे हरे, मतलब हे राधिके। कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण, अरे हरे राम ये हरे तो मतलब हो गया राधा रानी, फिर इसमें फिर राम राधा जी के साथ में राम फिर कहां आ गया। बोले यहाँ पर जो राम शब्द है वो दशरथ नंदन अयोध्यापति राम का नाम यहाँ नहीं, कि जो राधा रमयती थी राम, राधा जी को साथ में कृष्ण रास करते हैं, ये रमण करते हैं, कहते ना राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसलिए राधा जी को साथ में रमण करने के नाते इनका नाम राम है। कि जो राम शब्द है ये अयोध्यापति दशरथ नंदन नहीं, ये श्री राधा रमण राम श्री रास बिहारी कृष्ण है। इसलिए ये महामंत्र ये केवल जुगल नाम ही ये महामंत्र है। इसलिए बोले एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, किसी व्यक्ति को बोलो भैया कथा सुनने के लिए आओ, किसकी छोटी मोटी कोई काम होगा ना, बोले भैया कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन उसी समय परीक्षित महाराज संपूर्ण पृथ्वी को पर राजत्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सात दिन तक एक जगह पर बैठ कर कथा कैसे सुनी। और सुखदेव गोस्वामी एक स्थान पर एक गोह दोहन के लिए जितना समय लगे ना उतना समय रहते, उससे ज्यादा समय नहीं, 16 साल तक जिसने मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने पहली बार मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किए। क्यों? कृष्ण कथा इतने मीठा, कृष्ण कथा इतना मधुर है, मुंह खोले तो 7 दिन तक। देखो हम जैसे कथा सुन रहे थे ना, सुन रहे कथा पहले ऐसे नहीं है, आपको बताए कैसे हुई, दिन रात कथा चली, दिन रात 7 दिन तक कथा चली, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं, 7 दिन तक कथा सुनी। हाँ देखो पहले पहले जो कथा होती थी, आप लोग जो बड़े बूढ़े देखे होंगे, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, और कोई अभी जो कीर्तन हो रहे ना, पहले कोई कीर्तन भजन कुछ नहीं होता था, केवल शुद्ध रूप में सवेरे 4 घंटा शाम को 4 घंटा ये ऐसे कथा होती थी और लोग बैठ करके चैन से कथा सुनते थे। अभी तो एक टाइम कथा खत्म हो गई, अभी कथा हो रही है एक टाइम, फिर एक टाइम में भी कितने समय तक कथा हो रही है, कितने समय से कितने समय कथा हो रही है, देखो कथा हो रही है 3 घंटा में, 3 घंटा के लिए हैं, 3 घंटा के लिए उसमें भी भजन है। आप देखोगे ना सही सही, आप देखोगे जो कथा हो रही है सही सही 1.5 घंटा ही कथा हो रही है। आप बताओ 1.5 घंटा में कितने कथा सुनोगे, कितने? मुझे तो इतनी कथा बता, इतनी कथा बताए, अगर सवेरे 4 घंटा शाम को 4 घंटा होना
किसी तरह से ये कथा विश्राम हुई। मेरे को इतने इतने कथा है, पहले पहले जब मैं कथा करता था सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, कहीं कहीं तो मैंने 7-7 घंटा की जगह पर बैठ करके 7 घंटा तक मैंने कथा की, इतने कथा मेरे को पता है। लेकिन यहाँ तो 3 घंटा में तभी भी भक्त लोग नहीं आते हैं और कथा को लास्ट में धीरे 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 आएंगे, फिर कथा कैसे समाप्त होगी बताओ। इतने कथा भागवत में 18,000 श्लोक है, इसमें 18,000 श्लोक ही भागवत कथा में। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी मुंह खोले हैं तो उन्होंने मुंह ही बंद नहीं हुई, 7 दिन तक तो कंटिन्यू कथा बोलते बोलते गए। बोले ये कैसे ये कथा सुनाई, और ये श्रीमद् भागवत कथा व्यास देवज ने क्यों रचना की। इसलिए आप कृपा करके ये सारे रहस्य की बात हमें बताएं। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तास्यम कलया हरे। अभी ये कलियुग आ रहा है, व्यास देव ने अपना दिव्य नेत्र से देखा जब ये कलियुग आएगा धीरे धीरे लोगों का बुद्धि ह्रास होते जाएगी। पहले ये ग्रंथ भर तो कुछ नहीं होता था, गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, गुरुदेव रटाते वेद पुराण उपनिषद सब रट लेते थे, सारे रट लेते थे। अभी किसी बच्चे को बोलो मार्केट में जाओ 5-6 चीज लेने के लिए, बोले याद नहीं रहेगा कि पर्ची बना दे। मतलब इतने धीरे धीरे बुद्धि हमारी ह्रास होती जाएगी। क्या इसलिए बोले सब हाइब्रिड में बन रही है, कोई प्योर चीज है ही नहीं है। और कलयुग में ब्रह्मचर्य फिर कोई पालन नहीं करते है, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो स्मरण शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और अभी 13 साल लड़की गर्भ में बच्चा हो रही है, पहले कंपलसरी थी 25 साल तक तो गुरुकुल में रहना, सब कंपलसरी रहती थी और वहां पर वेद अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप में पालन करते थे। इसलिए बुद्धि बड़ा प्रखर होता था, बड़ा तेज होती थी, बुद्धि बड़ी तेज होती थी पहले हैं। अभी उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया ये कलयुग में धीरे धीरे बुद्धि ह्रास होते जाएगी, बुद्धि बुद्धि कुछ रहेगी नहीं। इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद को बनाए, फिर ब्रह्म सूत्र बनाए, उसके बाद में 18 पुराण बनाए। देखा स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, 5वां वेद उन्होंने महाभारत जिसमें भगवत गीता को उन्होंने बनाए। लेकिन इतने शास्त्र बनाने का बावजूद भी इनके मन में शांति नहीं, बड़े दुखी होकर बैठे हुए। एक दिन स्वयं नारद जी हैं श्री वीणा बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 लेकिन गुरु जी देख करके ही समझ गए, बोले व्यास देव लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी अब सही नस पकड़ लियो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बनाया,
लेकिन अंदर से ही मुझे संतोष नहीं हो रहा है, लगता है इसमें कुछ कमी है। गुरु जी आप ही बताओ इसमें कमी क्या है। बोले यथा धर्म दया सार्था मुनि बर्ज्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित। बोले देखो व्यास, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। तुमने जो दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में बताया ना, अलग अलग पुराण में अलग अलग तुमने देवता को तुमने इष्ट बना दिए हैं। जैसे श्री शिव पुराण बनाए, अभी शिव पुराण को जो पढ़ेगा ना, बोले सत्यम शिवम सुंदर भैया, शिव से कोई तो बड़े जगत में कोई है ही नहीं। अगर देवी पुराण कोई पढ़ ले, बोले भैया मात जगदम्बे देवी ही सब कुछ है। जो गणेश जी के पुराण को पढ़ ले, बोले गणेश सबसे बड़े हैं, अग्र पूजा होनी चाहिए। जो जिसमें सूर्य देवता की बात बताई गई, बोले तेज रासिंग जगतपति, दुनिया को तेज देने वाले कौन, बोले सूरज है। कहते भविष्य में जाकर ना बहुत लड़ाई होगी इस विषय पर, कोई बोलेगा शंकर बड़े, कोई बोलेगा देवी मैया बड़ी, कोई बोलेगा हनुमान बड़ा, कोई बोला गणेश से बड़ी। बोले इसको बड़े लड़ाई होने वाले, तुमने जो चीज लिख दिया। बोले देख बेटा, जो जीव है वो ईश्वर अंश है, हम किसी के अंश नहीं, हम ठाकुर जी के अंश, बांके बिहारी के अंश है। इसलिए जीव का जो परम कर्तव्य है बांके बिहारी जी को ही भक्ति करना, यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जितना कर्तव्य वो धर्म नहीं, क्योंकि हम ठाकुर जी का ही अंश है। इसलिए तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन जीव का जो असली धर्म है भगवान को भक्ति करना, तुमने ये भक्ति के विषय पर बोले नहीं, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। हम भी संसार में बहुत कुछ करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। बोले क्यों? बोले जिसको करनी चाहिए तुम उसको नहीं कर रहे हो, जिसको नहीं करनी चाहिए तुम उसको ही कर रहे हो, हैं? इसलिए बोले अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो, दिल खोल करके श्री ठाकुर जी की महिमा को गाओ और उनकी शुद्ध भक्तों का ही कथा सुनाओ। इधर उधर को कोई बात मत बताया करो, इधर उधर देवादेवी की बात नहीं बताओ, केवल उनकी भक्त और भगवान की कथा को निर्मल रूप में, और विशेष करके भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो करके सखाओं का प्रेम में कैसे वशीभूत हो गए। कहते सखाओं को झूठन ठाकुर जी खाते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो बांध करके रखे मैया जसोदा उनको उखल में बांध देती है, विश्व ब्रह्मांड को कान उठा करके बैठाते हैं लेकिन मैया जसोदा उनको कान उठा कर बैठाती है। हाँ? अगर मैया बोलती लाला तेने मखन खाई, कृष्ण डर से बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? बोले मैया मोरी मैं नहीं मखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं मखन खायो, भोर भयो गई अन्न को पाचे, भोर भयो घर से झूठ बोल देते, भैया मैंने मक्खन नहीं खाई, मेरे को मारना नहीं। और राधा रानी जब मान करती है ना, श्याम सुंदर कहते राधे मेरे को ये गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगी, मेरे को अघासुर बकासुर को मारने में जितने ताकत नहीं लगता है, जब राधा रानी मान कर लेती है ना, पता नहीं कृष्ण को कितने परिश्रम करना पड़ता है। आप लोगों ने घर में कभी मान किए हो? ये भाई लोगों को पता होगा, माताएं मान करने पर मनाने के लिए कितना कष्ट होता है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे को गिरिराज उठाने में इतना ताकत लगी नहीं, राधा रानी जब मान करते उनको मान मनाने में जितना मेरे को ताकत लग जाती है। बोले तुमने ये चीज को लिखा है कि नहीं? बोले लिखा ही नहीं। बोले फिर तुमको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए अगर चाहते हो क्या करो, दिल खोल करके ठाकुर जी की गुण महिमा को वर्णना करो, तभी तुम्हें आत्मा को शांति मिलेगी। तब श्री नारद जी श्री व्यास देव को अपना कथा सुनाते, देखो अगर जीवन में कोई भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं इसको उपाय किया है।
तो उन्होंने बताया बोले एक समय ये चातुर्मास्य का समय था, कुछ संत भ्रमण करते करते किसी गांव में आए। नारद जी कहते मेरे किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई है। अभी जब संत लोग आने आए उनके लिए पूरी सब्जी बनना शुरू हो गया। बोले मेरी मैया ने देखा अगर मैं संतों की थोड़ी बहुत सेवा कर दूं ना मुझे भी खाना मिल जाएगी, मेरे बच्चों को भी खाना मिल जाएगी, इसी लोभ से मैंने संतों की सेवा की। संत अभी मैया जो करेगा बेटा तो वही करेगा ना। जब मैया संतों सेवा में लग गई नारद जी कहते मैं भी संतों की सेवा में लग गया। हैं देखो पहला जो संस्कार है ना ये माँ से पड़ता है। किससे पड़ता है बता, पहला संस्कार किससे पड़ेगा? माँ से। उसको बाद में पिताजी का संस्कार पड़ता है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय माँ की गोद में बच्चा रहता है। अभी मैया जो करेगा बच्चा तो वही करेगा ना। अगर मैया बैठ करके गीता पढ़ेगी रामायण पढ़ेगी बैठ करके हैं भगवान के नाम जप करेगी फिर बेटा भी वही देखेगा, देख देख कर वो भी भगवान की भक्ति करेगा हैं। इसलिए पहला संस्कार माँ से पड़ता है। इसलिए देखा मैया क्या कर रही, बोले संतों की सेवा कर रही है। और जब संत बैठ कर हरि चर्चा करते हैं उनकी माँ भी बैठ कर कथा सुनती है, फिर बच्चा क्या करेगा वो भी बैठ कर कथा सुनेगा। वो भी बैठ कर कथा सुनता था और संतों की बड़ी सेवा करता था। एक दिन संत लोग कह रहे थे बोले देखो अगर जल्दी से जल्दी अगर कोई प्रभु की प्रेम को पाना चाहते हैं सबसे तीन सरल उपाय है। बोले तीन क्या है? पहला नंबर है संतों का चरण धूली, दूसरी चीज संतों की चरणामृत, तीसरा है संतों की अधरामृत और उनकी प्रसाद। कहते ये तीन चीज जितने जल्दी भगवत प्रेम को प्रदान करता है जगत में और कोई चीज नहीं इतना जल्दी प्रेम दे सकता है। बोले एक दिन क्या हुआ संतों ने प्रसाद पाए और पतल में कुछ अपना प्रसाद छोड़ दी। वो सुने रखते संतों की प्रसाद में बड़ा ताकत है। संतों से आदेश लिया बोले आपका ये अधरामृत क्या हम ले सकते हैं? संतों तो प्रसन्न थे, क्यों? संतों की सेवा करता था। संतों ने कहा ठीक है प्रसाद ले सकते हो। नारद जी कहते व्यास देव मैं तुमको सही सही बता रहा हूं, मैंने देखा संतों की छूटने में कितना शक्ति। एक बार मैंने संतों की प्रसाद लिया मेरे हृदय निर्मल हो गया, ठाकुर जी के प्रति मेरे प्रेम प्रकट हो गया, ठाकुर जी की मेरी हृदय में अनुभूति होने लग गई। जब 4 महीना खत्म हो गया संत लोग जाने के लिए तैयारी हुई और मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्योंकि संतों के साथ में बड़ा आनंद है, बड़ा मस्ती है। दिन भर प्रभु की कथा, प्रभु की कीर्तन, प्रभु की भजन में मस्त रहता था। बोले मेरे को भी ले चलो, लेकिन मैं मैया का अकेला बेटा था, मैया मेरे को जाने नहीं दी। संत लोग जाते समय हमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ये मंत्र दे करके गए। बोले बेटा जब जब समय मिले ना ये मंत्र को जप करते रहियो। जब संत चली गई कुछ दिन बाद में मेरी मैया ठीक शाम के समय थी गई गोदोहन करने के लिए, एक जहरीले सर्प के ऊपर प्यार गिरते ही ना सर्प ने मेरी मैया को काट डाला और मैया वहीं पर शरीर छोड़ दिया। किसने कहा नारद जी तेरे मैया को सांप ने काट दी, मैया तो शरीर छोड़ दिया। दुखी तो हुआ लेकिन देखा सुखी भी हुआ, अभी मेरे को कोई रोकने ठोकने वाले नहीं, अभी तो हम निश्चिंत होकर भक्ति करने के लिए जा सकता हूँ। कल जब मैंने भक्ति करने के लिए गया बड़ी बड़ी, बड़ी ठाकुर का परीक्षा है। बोले क्या परीक्षा आई? बोले जब मैं थोड़ी दूर गया ना दो सेठ सेठानी थे जिनके पास में अथाह संपत्ति लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं, और नारद देखने में बड़ा सुंदर था, छोटा बालक था। देखा ये अकेला बच्चा कहाँ जा रहा है? बोले नारद जी एक बार हमारी गोद में बैठ जाओ और एक बार केवल माँ बोल दो हमारी जितने संपत्ति का मालिक तुम बन जाओ। बोले भैया गोद में बैठूंगा तो ठाकुर जी की गोद में बैठूंगा और किसकी गोद में नहीं बैठने वाला नहीं। और थोड़ी दूर गया एक राज्य में राजा ही है नहीं, हाथी सोने की कली से लेकर घूम रहा है, जिसके सर के ऊपर पानी डालेगा ना वही बनेगा राजा। वो कलसी लाकर मेरे सर पर डाल दिए। बोले हमारे देश का राजा मिल गया है। बोले भैया हम राजा बनने के लिए नहीं आए, उसकी मोह भी मैंने त्याग दी। अंदर में गया तो सोने की खान मैंने देखी, उसकी मोह भी त्याग दी। देखो
जब आप भगवान की भक्ति करने जाओ ना, ये बहुत सारी चीज लोभ आपको अपने आप मिलेगी। कहता जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, सब कुछ मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर इसी मोह में फंस गया ना, फिर भक्ति भक्ति गई, इसकी माया मोह में फिर चक्कर में पड़ जाओगे, फिर आगे भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के तीन स्टेजेस हैं, उसका तीन लक्षण बताए। भक्ति अगर शुद्ध भक्ति कोई पहला जाजन करे, उसका पहला दो लक्षण है, क्या है? क्लेशग्नि और सुभदा। क्लेशग्नि मतलब जीवन का जितने दुख कष्ट है सब नष्ट हो जाएगी। सुभदा मतलब सारी जगत में तुम्हारी जय जयकार होने लग जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा। बताओ मीरा ने अपना नाम को थोड़ी बताया मेरे नाम को पूजा करो, हनुमान जी ने थोड़ी बताया मेरे नाम लो, ध्रुव प्रहलाद थोड़ी बताए, तुलसीदास ने थोड़ी बताया मेरे नाम को जय जयकार करो। लेकिन भक्ति करो तो सारा दुनिया में तुम्हारे नाम की जय जयकार होने लग जाते हैं। कहती ये साधन का पहला स्टेज है, और अंतिम स्टेज में तो स्वयं ठाकुर जी जैसे फूल खिलने पर भौंरा अपने आप आकर के बैठ करके उसकी मधुओं को आस्वादन करता है। जब कृष्ण दर्शन होगा तो कृष्ण स्वयं आकर्षित होकर के आ जाएंगे, और तुमको तुमको भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारी पास में आएंगे। इसलिए मतलब मेरे को इस परीक्षा आई, लेकिन मैंने ये सारे चीज को हमने त्याग दी, घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सरोवर कमल फूल खिलेंगे, और वहां मैंने स्नान करके पेट भर के पानी पिया, संतों ने जो मंत्र दिया था वहीं पर बैठ करके मैंने मंत्र जप करना शुरू कर दिया। मंत्र जप करते 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 जब मेरा मन निर्मल हो गया, इतने में भगवान की एक झलक मुझे दर्शन मिली। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले ठाकुर का दर्शन में इतने आनंद है जो सोच भी नहीं सकते। बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके इतने आनंद नहीं हो सकता ठाकुर का दर्शन में जो आनंद है। जब मैंने एक झलक कति भावा बस्ता है, देखो ध्यान देकर सुनो, कति जो भावा बस्ता में क्या क्या होता है। बोले कभी कभी ठाकुर जी की बंसुरी की सुंदर आवाज कभी कभी सुनाई पड़ेगी, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और मेरे को स्पर्श किया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे लगेगी ठाकुर जी के चरण की जो नुपुर की झंकार है, बड़ी सुंदर नुपुर की आवाज कान में सुनाई पड़ेगी। कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और मेरे को अधरा मृत पिला करके चले गई, वो अपना होठ को चाटने लग जाते हैं, किसी ने आए और मेरे को अमृत पिला करके चले गए। कभी कभी ऐसे होगा ठाकुर जी सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं, और ठाकुर जी इतने सुंदर इतने तेजस्वी, उनकी जो आंख है ना एकदम चकाचौंध हो जाती है उनकी आंख। कहती ये भावावस्था की ये लक्षण है। इसलिए एक झलक तो दर्शन दी ठाकुर ने, दर्शन देकर ठाकुर जी कहीं अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई तो कहते मैंने व्याकुल हो उठा, बोले प्रभु दर्शन नहीं देता तो नहीं देते, लेकिन दर्शन देकर कहां चले गए आप? उदाहरण दिया जैसे जेठ की महीना हो, चिलचिलाई हुई धूप, आप बड़ी दूर से आ रहे हो, प्यास के मारे आपका छाती फट रही है, इतने में किसी ने एक सुंदर एक ग्लास जूस लिया, आपको एक घुटन पिलाकर घटा दिया, अब क्या बोलोगे? बोले भैया पिलाना नहीं तो पिलाना ही नहीं था, लेकिन तुमने एक घुटन पिला करके हटा दिया क्यों है? क्या ठीक ऐसे ही ठाकुर जी की जब दर्शन की, जैसे मछली को पानी से निकाल लो, जैसे वो छटपट छटपट करता है, ऐसे ही मैंने छटपट छटपट करने लग गया। इतने में आकाशवाणी हुई है नारद जी, अब पिपक को कसया नाम दुर्दश अहम को जो बिना, अभी तुम्हारे अंदर में थोड़ी सी कमी है, इसलिए केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने एक झलक दर्शन दी, फिर अगले जीवन में मेरे दर्शन मिलेगी। इसलिए अगले जीवन में फिर ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के जन्म हुए, और गिरिराज तलहटी में वहां पर एक नारद कुंड है, बोले वहीं पर उन्होंने बैठ करके जब उन्होंने भजन की, भगवान की दिव्य रास लीला के दर्शन हुए, और राधा रानी कृपा करके अपना प्रसाद बिना श्री नारद जी को प्रदान किए। बोले जब जब मैंने ये बिना में ठाकुर का नाम जप करता हूँ ना, ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मुझे दर्शन प्रदान करते हैं, और जहां इच्छा
जैसे ये मन जितने तेजी से गति करती है, मेरा शरीर भी उतना तेजी से। अगर मैं सोचू स्वर्ग पहुंचू, इच्छा करते ही स्वर्ग पहुंच जाता हूँ। बोले वैकुंठ जाना चाहता हूँ, वैकुंठ पहुंच जाता हूँ। अगर वृंदावन जाना चाहता हूँ, जितना तेजी से ये मन गति करती है, मेरा शरीर भी उतना तेजी से गति करती है। सर्वत्र मैं ठाकुर का नाम को लेकर के भ्रमण करता हूँ, एकदम आनंद में रहता हूँ। इसलिए हे व्यास, अगर तुम भी जीवन में आनंद पाना चाहते हो, क्या करो, हरि की गुण महिमा को गान करो, उसी में ही आनंद है। बोले श्री वृंदावन बिहारी प्रभु जी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो। मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे, मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे, मैं तेरे बिना बनना रहूं। ऐसी लगनी तू लगा दे, मैं तेरे बिना बनना रहूं। मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे, ऐसी लगनी तू लगा दे, मैं तेरे बिना बनना रहूं। ऐसी लगनी तू लगा दे, मैं तेरे बिना बनना रहूं।
अपसं पुरुषं पूर्णं माया च तत् अपाश्रयम्। जब श्री नारद जी चले गए, व्यास देव जी भक्ति योग समाधि के द्वारा समाधिस्थ हुए और संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया। बोले संपूर्ण मतलब राधा जी को साथ में, कृष्ण को, उनकी ग्वाल बाल, उनको सखा सखी, ये सब को उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन इसको पढ़ाई किसको? लेकिन जिसके लिए उन्होंने बनाए, उनका जो बेटा सुखदेव गोस्वामी, वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बने। बोले भैया बच्चों को हम वापस कैसे लाए? बोले इनकी चार चले थे। बोले देखो मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, मेरे तोता को वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता तेरे तोता तुम्हारी तोता कैसे है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार ही मंत्र सीख पढ़ा देता हूँ। ये मंत्र पढ़ करके जो अपने आप पकड़ में आएगा ना, समझना ये मेरी तोता है। बोले गुरुजी ऐसे मंत्र? बोले हाँ। उन्होंने पहला चेले को पहला मंत्र सिखाया। बोले बराहा पिडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिसयम
वैजयंति च माला रंध्रायण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। बोले ये श्लोकों को श्री राधा रानी स्वयं बोलती हैं, बांके बिहारी कितने सुंदर है। हम कहते ना बांके बिहारी की देख छटा और मेरा मन है गयो लटा पटा। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर इतने सुंदर। गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। तू इतने सुंदर अगर लाली होता है ना, पता नहीं दुनिया के सारे जितने जो आपस में युद्ध करके मर जाते तेरे को पाने के लिए। तू इतने सुंदर हो प्यारे है। इसलिए कभी कभी संत लोग कहते हैं पहले ये जो शहर है ना वो मेन रोड में घूमते थे लेकिन ये सब के सब जंगल में चले गए। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब जन्म हुए कृष्ण इतने सुंदर इनकी कमर इतने पतली है जैसे शेर का। इसलिए कृष्ण जन्म होते ही बोले भैया हमें कोई पूछेगा नहीं जंगल में चले जा। कल जितने सर्प पहले बाहर घुमा करते थे लेकिन कृष्ण जन्म होते ही सब के सब बील में चले गए। बोले क्यों? बोले भुजा दंड गृहित कंठा। कृष्ण का हाथ इतने सुंदर है सर्प लोग बोले भाई हमें कोई पूछने वाले नहीं। कहते जो मेघ है ना पहले नीचे रहता था सब ऊपर चले गए। बोले क्यों? बोले कृष्ण इतने सुंदर हमें कौन पूछेगा। इसलिए बोले सुंदर किम असुंदरम। इसलिए कहते कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम। करोड़ काम देव भी जहां पर परास्त हो जाए ऐसे श्री बांके बिहारी सुंदरता है। इसलिए बोले बराहा पीड़म। बोले जिनके सर में ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। बोले ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं? कहते इसके रहस्य हमारे संतों ने सुंदर सुंदर रहस्य बताए। उसका पांच कारण बताए। कितना कारण बताए? आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा एक एक व्यक्ति से कृष्ण ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं। बोले पहला कारण है मोर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ इसलिए कृष्ण अपना सर पर धारण करके वृंदावन में श्री राधा रानी के नाम की महिमा को ठाकुर जी बिखारते हैं। दूसरा कारण है ये मोर ये ब्रह्मचारी ठाकुर जी ब्रह्मचारी को बड़े प्यार करते हैं। तीसरा कारण है कभी राधा रानी ये मयूरी बनी थी। आप लोग बरसाना गए हो? कौन कौन बरसाना गए? आप लोग को गहोर बन के परिक्रमा लगाई नहीं लगाई ना? कहते वहां पर देखना है कि मोर कुटी है। बोले एक समय श्री राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और सामने एक शीशा था उसमें इनकी परछाई दोनों गोप्रिया प्रियतम की परछाई पड़ रही थी। राधा रानी ने श्याम सुंदर को बोले श्याम सुंदर मेरी मुखार बिंद को थोड़ा वर्णना करो कि मैं कितने सुंदरी। बोले हे राधे तुम्हारी जो मुखार बिंद है ना बोले चंद्रा थोड़ी सी रुक गई। बोले आननी इतना सुनते ही राधा रानी तो बिगड़ गई। बोले लगता है तुम्हारी चंद्रावल की याद आ गई हैं? जैसे आप ऊपर काले ना अंदर में ऐसे काले। बोले क्यों? बोले चंद्रमा में कितने दोष आपको बताए जैसे पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा फिर देखना प्रथमा द्वितीया होते 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 अमावास्या को पूरा अंधकार हो जाता है। क्या मेरी मुखारविंद में जो सुंदरता कभी बढ़ती कभी क्या घटती है? मेरी तो सुंदरता नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। अब चंद्रमा को साथ में कैसे उदाहरण दिया? बोले चंद्रमा में एक थप्पा भी है। बोले मेरे मुखारविंद में कोई दाग है क्या? ये चंद्रमा कहाँ से प्रकट होती? बोले समुद्र से नमकीन पानी। क्या वहां से मैंने प्रकट हुई? राधा रानी तो मान करके चली गई। कृष्ण बोले देखो राधे चंद्रमा में बहुत गुण है। दिन भर आप काम करके परेशानी हो जाओ परिश्रांत हो जाते हैं रात को सो सवेरे फिर शरीर में चुस्ती आ जाती। कहां से? ये चंद्रमा से अमृत निकलती है। इतने में तो राधा रानी मान करके चली गई। अभी क्या होगा? कृष्ण ललिता को बोले ये बताओ अभी राधा रानी को मनाओ कैसे? बोले उनको मौर नित्य बड़ा सुंदर लगता है। इतने में कृष्ण मौर बन करके उन्होंने नृत्य की। इतने सुंदर नृत्य कर रहे थे बहुत सारे मयूर भी नृत्य कर रहे थे लेकिन कृष्णा हाव भाव से नृत्य कर रहे थे। राधा रानी की मन उसके प्रति बड़ी आकर्षण हो रहा था। बोले ललिता ये मयूर कौन है? इसके प्रति मेरे मन इतने आकर्षण क्यों हो रहा है?
बोले हे राधे, ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर तेरे को रिझाने के लिए ये मयूर बने। फिर राधा रानी भी मयूरिनी बने करके जहाँ नृत्य किए उसका स्थान का नाम मयूर कुटी है। इसलिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं, उसी राधा रानी ने कभी वो मयूर नहीं बनी थी। कितना कारण हो गया? कितना कारण हो गया? तीन हो गया। बोले चौथा कारण बताए, ये मयूर कब नृत्य करता है? देखना, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, रिमझिम बारिश ही हो, गड़गड़ शब्द होने लग जाए, मयूर पंख खोल करके नृत्य करना शुरू करता है। बोले एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, बोले कृष्ण का रंग कैसे है? बोले घना श्याम जैसे मेघ का रंग है। कहते उनका शरीर में पीतांबर कैसे, मतलब बिजली जैसे चमक रही है, और जो बंसुरी बजा रहे थे गड़गड़ शब्द हो रहा था। इतने में मयूर तो धीरे धीरे नाचना शुरू कर दिया। देखना, जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, हम 20 रुपया 100 रुपया ऐसे घुमा घुमा करके देते हैं। अभी मयूर तो खुश हो गया। कब नृत्य करता है एक व्यक्ति? जब आनंद में, दुख में कोई नृत्य नहीं करता। वो इतने प्रसन्न हो गया। बोले भैया कृष्ण को तो मुझे कुछ देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, पंख है। उन्होंने पंख को झाड़ दिया और एक मयूर पंख गिरा, तो प्रेम का उपहार है, उन्होंने उठाए और सर पर लगा दिया। इसलिए ये एक कारण है। पंचमा कारण है, कृष्ण चल रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर एक पंख गिरा हुआ। मोर पंख ने कहा, कृष्ण मैं जिसको पीछे लगा हुआ था ना, देखो मेरे को छोड़ दिया, मैं कैसे मेन रोड में कैसे मेरी दुर्दशा है। कृष्ण कहते, चिंता क्यों करते हो? दुनिया में किसी को जो सहारा नहीं देते है ना, सहारा देने वाला मैं हूँ। इसलिए कृष्ण उठाए और अपना सर पर लगा दी। इसलिए बोले बराहा पीड़म नटवर बपुहु। बोले कृष्ण का रूप कैसे? बोले नटवर, शंकर जी नटराज है, लेकिन कृष्ण कौन है? नटवर, नट मतलब शंकर जी, वर मतलब होता है पति। बोले शंकर जी का जो पति कृष्ण है। बोले भैया शंकर जी का पति कृष्ण कैसे हुए? आगे सुनेंगे, जब ठाकुर जी रास करेंगे ना, शंकर जी गोपी बन करके आएंगे। अब बताओ गोपियों का पति कौन है? बांके बिहारी। इसलिए बोले बराहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम। बोले दो कान में एक कनियरी पुष्प धारण करते हैं। बोले बिभ्रत बास। बोले उनका वस्त्र का रंग कैसे? बोले पीतांबर। बोले क्यों? बोले राधा रानी का जो रंग है वो पीतवर्ण है, हाँ पीतवर्ण है। इसलिए कृष्ण पीतांबर धारण करते हुए राधा रानी के प्रति अपना प्रेम को अभिव्यक्ति करते हैं। और राधा रानी कौन सा रंग के वस्त्र पहनती हैं? बोले नील बसना गौरी, नील रंग। क्यों? कृष्ण का रंग नील है, मानो दोनों दोनों को प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती च माला। प्रभु की गला में वैजयंती माला, जो गले से लेकर चरण तक, कभी 5 रंग कभी 7 रंग। क्यों? कद भगवान की 12 रस में भगवान है, उनका 5 मुख्य रस है, 7 दास्य सख्य वात्सल मधुर। मानो ठाकुर जी सारे भक्तों का अपना हृदय में लगा करके रखे हैं। बोले बंसी ठाकुर जी बजाते हैं क्या? बोले बंसुरी। बोले क्यों? बोले बंसुरी में 2 गुण है। बोले पहला गुण क्या है? बंसुरी अंदर में एकदम खाली पोला है। दूसरा गुण क्या? कृष्ण जैसे चाहते हैं वो वैसे बजती है। अगर हमारे अंदर में 2 गुण आ जाए ना, कन्हैया हमें भी स्वीकार कर देगा। हाँ, हृदय खाली हो, कोई कपट छल छिद्र नहीं होनी चाहिए, और कृष्ण जैसे चाहते वैसे बन जाए, बस हम भी कन्हैया को पास में रहना शुरू कर देंगे। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं, अगली जीवन में मैं तो और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण कभी बंसुरी को छोड़ते नहीं, कभी अधर में, कभी कमर में, कभी उसको हाथों में है। और जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं ना, 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण गिरिराज को धारण की पूरा खड़े होकर के, लेकिन पता नहीं बंसुरी में कितने भोजन हैं, जो कृष्ण 3 जगह से कृष्ण टेढ़े हो जाते हैं कृष्ण। इसलिए राधा रानी कहती हैं, अगली जीवन में तुम्हें बंसुरी बन करके आऊंगी, और मैं राधा बनकर ही नहीं आऊंगी। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में प्रवेश करते हैं वृंदावन में, सारे सखा कृष्ण की जय जयकार देते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ध्यान देकर सुना, जब श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी मतलब होता है जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानने वाले, और भगवान का रूप नहीं गुण नहीं, वो तो ज्योति है,
लेकिन जब उन्होंने पहला श्लोक जब बोले कृष्ण इतने सुंदर, ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत आते हार सीता, इन्हें बिलो कत आते हार सीता, इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो कोई भगवान को ब्रह्म निराकार कहते ना, जब श्री राम जनकपुरी में गए, ये जनक महाराज भी बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो भी भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब उन्होंने राम को देखा ना, राम को दर्शन करते ही अपनी आप उनके मन से ब्रह्म अपनी आप खत्म हो गई और राम रूप में ही मुक्त हो गए, राम रूप में डूब गए, भले ये समझ गए ये राम ब्रह्म नहीं, पर राम कौन है, ये परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, ब्रह्म का जो बाप है, ये ब्रह्म है कौन, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोति, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो भगवान के शरीर की अंग कांति है, ठाकुर जी की चरण के नख में इतने प्रकाशित है, इतने प्रकाश जिसको ज्ञानी लोग ज्योति कहते हैं, हैं? जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्यत अनुभा, ये भगवान की प्रकाश है, कृष्ण की प्रकाश है, ये ब्रह्म है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर बाहर निकल कर आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको मिला कहां से, बोले हमारे गुरु जी बताए मेरे को एक तोता उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके लाओ, हमने कहा जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हैं? हमें कैसे पता चलेगा ये तुम्हारी तोता, बोले ये श्लोक सुनकर के जो अपनी आप पकड़ में आ जाए ना, समझना ये मेरी तोता है, बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ, देखो बांके बिहारी तो देखने में बड़े सुंदर है, देखो एक उदाहरण दिया, हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते हैं हम भक्ति करें तो बांके बिहारी की क्यों करें, और भी तो बहुत सारे देवा देवी है, ये चीज यही चीज समझा रहे हैं, जैसे आप किसी लड़की को कहीं शादी दोगे सबसे पहले क्या देखोगे, लड़का देखने में कितने सुंदर, सबसे पहले देखो ना इसका पर्सनालिटी कैसे, बोले भैया उसको पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, बांके बिहारी जैसे सुंदर जगत में कोई है ही नहीं, हैं? इतने सुंदर जगत में कोई नहीं, अभी तो उसकी सुंदरता देख लिया, फिर दूसरा चीज क्या देखोगे, भैया देखने में तो सुंदर है लेकिन जिस बेटी को हम शादी देंगे दिलाएंगे ऐसे नहीं वो कुछ कमाता धमाता कि नहीं, ना ऐसे देखने में ही सुंदर है, दूसरा चेला ने पूछ लिया बताओ वो रहते कहां पर, कोई माल कोड़ी है कि नहीं, दूसरा चेला ने बता दिए बोले जयती ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत ए धीरा सस्वदत्र दूसरे चलाने बताए बोले माल भैया जो वृंदावन में जन्म हुई है जहां पर लक्ष्मी एक लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सभ्यमान हजार लक्ष्मियां जहां झाड़ू लगाती है लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं जहाँ की पेड़ वृंदावन की कल्प वृक्ष है वो पानी नहीं वो अमृत है जो गया है ना सो काम धेनु और वहां का जो धूल धूल नहीं वो चिंतामणि जो मांगो वही मिलेगा अगर बेटी को शादी करवाओ ना बेटी राजकुमारी जैसी रहेगी इसलिए चिंता मत करो बोले बेटा देखने में सुंदर पैसा भी तीसरा है उसका परिवार कैसे है ऐसे नहीं सास ससुर इतने लड़ाकू और बेटी घर बार छोड़कर भाग जाए और जेठ इतने क्रोधी भैया बताओ उसका परिवार कैसे बोले परिवार बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कहते उसकी
पिताजी का नाम नंदा, नंदा मतलब सबको जो आनंद देती है, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कोई बोलते नहीं हूँ, जय कन्हैया लाल की। बोले माँ का नाम किया, बोले जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस देने वाले। बोले भैया का नाम, बोले ताऊ दयाल, ताऊ दयाल, बड़े दयालु जेठ है। बोले वाह परिवार बड़ा सुंदर है। हाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बताई, देखने में सुंदर, पैसा है, परिवार बढ़िया, चौथा चीज सबसे महत्व है, बोले उसका नेचर कैसे। ऐसे नहीं दिन भर माल पीपा कर बढ़ाते नहीं रहता है, और ऐसे नहीं बात बात पर हाथ डाकर पिटना तो शुरू नहीं करता है, हैं? भैया उसकी नेचर कैसे बताओ। बोले उसका नेचर इतने सुंदर नेचर है ना, उसकी जैसे दुनिया में कोई करुणा कोई है ही नहीं है। बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम, उदाहरण दिया है, पुतना जब मारने के लिए गई थी और राक्षसी थी, स्तन में जल, उन्होंने स्तन में काल कूट जहर लेकर गई थी, बच्चों का खून पीने वाली थी, लेकिन हमारे बांके बिहारी हमारे कृष्ण इतने दयालु। बोले गुना अब गुना प्रभु देखो हो न काम, इसलिए हमारे ठाकुर जी इसकी अवगुण का प्रतिम की नजर ही नहीं रहती है। उसने एक सेकंड के लिए कृष्ण को जो पुत्र रूप में देख लिया, ठाकुर जी इतने में रीज गए और स्थान कहां दे दिया, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन ठाकुर जी पहुंचा दिए। इतने दयालु कृष्णा, उनकी जैसे दयालु दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करेंगे, किसको भक्ति करेंगे, कृष्ण को। बोले दूसरे दूसरे देवा देवी को, बोले नहीं मना करते हैं, क्योंकि देखो अगर कृष्ण भक्ति करोगे ना, अगर तुम्हारी कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ठाकुर गड़बड़ी देखेंगे नहीं, ठाकुर जी गड़बड़ी को तो नजर नहीं देते, तुम्हारी भाव को केवल देखेंगे। लेकिन दूसरे देवा देवी में ये होता है, अगर तुम भक्ति कर रहे हो, थोड़ी सी तुम्हारी सेवा पूजा में थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेना को देना पड़ जाएगा तुमको, लेना को देना पड़ जाएगा, ठाकुर जी तुमको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा फल मिलता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा फल होगी नहीं, कभी नहीं होगी, केवल ठाकुर जी तुम्हारे भाव को ग्रहण करने वाले। इसलिए भावग्राही जनार्दन, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे जोर से जय कर दो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब इतना सुने, हाथ उठा करके भगे, और व्यास देव जी उनको संपूर्ण भागवत कथा सुनाई। देखो ये बताए भागवत कथा का वक्ता कौन है, परम ब्रह्म परम हंस हैं, परिव्राज का आचार्य कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले भैया इसका श्रोता कौन है, बोले परीक्षित। भैया श्रोता भी साधारण व्यक्ति नहीं, जो माँ की पेट में जिन्होंने ठाकुर का दर्शन किया, माँ की पेट में जो ठाकुर जी को दर्शन की, ठाकुर जी को, इसलिए यहाँ पर महाभारती कथा थी। हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते भैया हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाता है। बोले ये महाभारत जानते हो किस लिए हुआ है, बोले दो कारण से, अगर हमारे घर में दो चीजें आ जाए ना, हमारे घर में महाभारत होगी। बोले तो वो दो कारण किया है, बोले पहला कारण है द्रौपदी ने थोड़ी सी जुहा को चला दी, उसने दुर्योधन को बोल दिया अंधा का बेटा अंधा होता है, इतने में दुर्योधन इतने बिगड़ गया, बोला अंधा का बेटा अंधा होता है, मजा चखाऊंगी। उसने हरी सभा में द्रौपदी को विवस्त्र करने के लिए कोशिश की, और इसको देख करके अर्जुन और भीम पांच भाई इतने क्रोधित हो गए। भीम ने कहा जिस जंगे के ऊपर तुमने पांचाली को बैठाने के लिए प्रयास किया, घोर युद्ध में जंघा को मैं तोड़ दूंगा। बोले दुशासन जिस हाथों से तुमने द्रौपदी की वस्त्र हरण की, भरी युद्ध से तेरे हाथ को उखाड़ करके फेंक दूंगा। भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की है, इसलिए रामायण क्यों हुई, मैया सीता ने वो भी थोड़ी सी जुहा चलाए, जगत को सिखा दे रही है दोनों। मैया सीता गड़बड़ किया कि बोले जिस समय रावण रावण ने मारीच को भेज दिया, वो मारीच हिरण बन करके आया, मैया सीता बोली राम को ये मारीच को पकड़ करके ला दो, देखो सोने की हिरण है, कैसे चमचमा रहे कैसे सींग उसकी, और देखो उसकी चमड़ा कैसे सोने की है। और भगवान राम गए लक्ष्मण को बोले सीता को कभी छोड़ करके जाना नहीं। इतने में वो तो था राक्षस, जब प्रभु राम ने बाण मारे, मारीच क्या बोले, बोले भैया लक्ष्मण,
भैया लक्ष्मण। सीताजी बोली, लक्ष्मण तुमने सुन लिया, राम को पर कोई विपत्ति पड़ी, लेकिन लक्ष्मण को पता है भगवान राम, उनको पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। बोले प्रभु को पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, इसलिए प्रभु राम मेरे को बोले आपको रखवाली करने के लिए। लेकिन सीता बारंबार कह रही थी जाओ जाओ जाओ। इतने में सीता बोली, तुम क्यों साथ में आया था मेरे को पता चला गया, ये समझ रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे शादी करोगे, मैं कभी तेरे से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। और जो जिनकी माँ मान रही है अगर वो ऐसे बोले, लक्ष्मण ने किया कि लक्ष्मण रेखा को काट करके बोले, माता जी एक काम करियो, जीवन में पहला बार मैंने राम आदेश को उल्लंघन कर रहा, ये लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करना। तब उन्होंने किया कि लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार कर लिया और क्या कि जीवा चलाई, जिस में क्या हुआ रावण उठा करके ले गया और पूरा रामायण हो गया। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते जो माताओं को ना देखो, गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, हाथ में हड्डी है हाथ सीधा हो जाता है, अंगुल में हड्डी इसलिए अंगुल सीधा हो जाती है, रीढ़ में हड्डी हम बैठे हैं, पैर में हड्डी अब चलते हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। बताओ किसमें हड्डी नहीं है, जोर से बोलो। इसलिए ना ये जीवा लपर 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 समय कुछ बोलते रहेगा और देखना घर में झगड़ा क्यों होता है ना, इसी के लिए थोड़ी जीवा चला दी, कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं हुई, केवल जीवा के से स्लीप हो गया, थोड़ी सी स्लीप हो गया। आप देखना भाई भाई में, बहू बहू में, पड़ोसी में लड़ाई लड़ाई हो जाती है, इसलिए ये द्रौपदी जो जीवा चलाई, सीता ने जीवा चलाई रामायण और महाभारत हो गई, इसलिए कभी कभी इसी कारण से हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। और ये चीज बताए, कभी भी माताओं को ये लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा रेखा रेखा हम कभी पार नहीं करनी चाहिए, अगर मर्यादा रेखा को पार करेंगे ना फिर रावण उठा कर ले जाएगा। कौन उठा कर ले जाएगा? आप बोले रावण कहाँ से आएगा? बोले तृतीया युग में एक रावण, अभी घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण है, तृतीया युग में एक रावण था। इसलिए कहते भैया कभी भी अपना मर्यादा रेखा को पार मत किया करो और ये जीवा को मत चलाओ। और महाभारत का दूसरा कारण था, दुर्योधन चाहता था सारे संपत्ति मेरा हो जाए, सारे संपत्ति मेरे हो जाए, इसलिए सब महाभारत हुई है। इसलिए श्री जिस समय श्री परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में था, उस समय अस्वस्थ माँ ने सोचा सारे पांडव वंश को मैं विनाश कर दूंगा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। इतने में उत्तरा ने कृष्ण शरण में आ गए, कितना जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई, ठाकुर का शरण में चले जाओ बस ठाकुर की कृपा होना कोई कुछ तुम्हारी बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हुए इन्होंने गदा को घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाया। जब परीक्षित महाराज जन्म हुए वो ठाकुर जी को गर्भ में दर्शन किया था, इसलिए जन्म होते ही ना वो सबको परीक्षा कर रहा था, जो गर्भ में जो ठाकुर को मैंने दर्शन किया वो ठाकुर कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ गया। यहाँ पर शिक्षा दिया भागवत कथा की, वक्ता जितने श्रेष्ठ हैं उसकी श्रोता भी कम नहीं, दोनों ही परमहंस जो भगवत दर्शन किए हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब जब श्री कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं द्वारका में, पांडवों ने ऐसे कुछ बहाना बना देते कृष्ण को जाने नहीं देते। एक दिन मैया कुंती आकर कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रय। उदाहरण दे रहे थे भगवान की सारे अंगों को कमल कमल को साथ में, ठाकुर का नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमलों को साथ में क्यों उदाहरण दिया? बोले कमल जैसे देखने में बड़े सुंदर है, ठाकुर भी देखने के लिए बड़े सुंदर है ठाकुर जी। अभी कुंती ने कृष्ण को वंदना की, बोले ठाकुर जी, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च,
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले ठाकुर जी, बोले कृष्णाय। कृष्णाय मतलब कहते जो व्यक्ति कृष्ण को भक्ति करते हैं वो बड़ी सौभाग्यवान, लेकिन उनसे बड़े कौन है? बोले वसुदेव महाराज। बोले किस लिए? कृष्ण जगत पिता जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने पिता को किसको उन्होंने पिता रूप में स्वीकार किया? बोले श्री वसुदेव महाराज। बोले उनसे बड़े कौन है? बोले माता देवकी है। बोले क्यों? कहते कृष्ण को गर्भ में धारण किया है, विश्व ब्रह्मांड जिनकी गर्भ में हो, लेकिन ठाकुर जी को जिन्होंने गर्भ में धारण किया है। बोले उनसे बड़े कौन है? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन उनको पल्ले में किसने झुलाया? उनको अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक कर चलाना किसने सिखाया? इनको पलना में हाँ, इनको जन्म किसने दिया है? बोले श्री जसोदा नंद, नंद और जसोदा। बोले उनसे श्रेष्ठ है ये नंद जसोदा है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रज की गोपियां जिनको साथ में प्रभु रास रचाए। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, किसको? बोले श्री किशोर जी, श्री राधा रानी। इसलिए माँ कुंती कहती है श्याम सुंदर, जगत में सबसे जो श्रेष्ठ भक्त है ना ये श्रीमती राधा रानी। इन इसलिए इनका नाम राधा, राधा मतलब ये क्या है? जो कृष्ण को पूर्ण रूप में जो आराधना करती है ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जब मैया कुंती स्तुति कर रहे थे ना, इतने में कृष्ण बोले बुआ जी आज तो तुम उल्टा गंगा बहा रही हो, तुम तो उल्टा गंगा बहा रही हो, मैं भाती जा, अभी मुझे तुमको स्तुति करनी चाहिए। बोले श्याम सुंदर यही तो तेरी माया है ना, विश्व ब्रह्मांड का तू मालिक हो, किसको बुआ किसको भैया किसको मैया बना करके वो दुनिया को पागल बना कर रखे हो, लेकिन दुनिया के मालिक तो तू हो, हैं तू हो मालिक। बोले कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, एक समय तुमने वृंदावन में मक्खन चोरी की, मैं वहां पर थी, तो मक्खन चोरी की और तुमने मटकी फोड़ी और इतने में मैया जसोदा तेरे को पकड़ ली, पकड़ करके उखल में तेरे को मैंने बांध दिया, तेरे को मैंने खुद देखा जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, और उनकी डर से तू तो थर थर कांप रहा था। बोले मैया मेरे को मारना नहीं, मैया मेरे को मारना नहीं। इसलिए कन्हैया तेरे को मैं देख करके ना मैं स्वयं भ्रमित हो गया था, हैं स्वयं भ्रमित हो गया था, इसलिए तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण ने कहा बुआ जी जब आज तू इतना मेरी स्तुति कर रहे हो ठीक है, आज मेरे को जो कुछ मांगना मांग ले, जी भर करके मैं सब कुछ देने के लिए तैयारी हूँ। तब श्री माँ हैं कहते मैया कुंती भगवान को अपना झोली पसार करके बोले कन्हैया अगर मेरे को देना चाहते हो विपद संतु में नाथ तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे झोली में तू विपद ही भरते। बोले बुआ इतने दुख भोग करते करते क्या तेरे पेट भरा नहीं? अब महाभारत तो सुने होंगे, पहले तो दुर्योधन ने भीम को 20 लड्डू खिला करके फेंक दिया था, उसके बाद में अरे जतुगृह में आग लगा दिया पांडवों को मारने के लिए, उसको बाद में कपट जुआ खेल कर सब कुछ हरण कर लिया, अरे द्रौपदी को वस्त्र हरण कराया, इतना नहीं फिर उनको 12 साल तक इनको जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल विराट राज्य में अज्ञात वास करना पड़ा। सर्वश्रेष्ठ भीम और रुसिया का काम करता था, सर्वश्रेष्ठ गांडी बिहारी अर्जुन ब्रीहणला नृत्य विद्या सिखाया करता था, नकुल सहदेव घोड़ाशाला में काम कर रहे थे, स्वयं युधिष्ठिर कंक का काम कर रहे थे। इतना देखो बहुत अच्छी बात यहाँ समझा रहे हैं। बोले जिंदगी भर इतने दुख तुमने भोग किया, जब फिर मैं कह रहा हूँ बरम आगो फिर कह तो दुख दो, क्या तेरे को दुख भोग करते करते पेट भरा नहीं फिर दुख मांग रहे हो? देखो कुंती क्या कह रहे हैं। बोले प्रभु सूख के माथ सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारि ओ दुख को जो पल पल नाम जपाए, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। देखो अब से एक प्रश्न करता हूं आप भी उत्तर दो, आप ये बताओ आप ज्यादा सुख में ठाकुर जी का स्मरण करते हैं ना दुख में करते हो? बोलो आप दुख में ज्यादा स्मरण करते हो ना सुख में करते हो? सही सही बोला। इसलिए यहां पर कुंती कहती है बोले प्रभु
जिसको पास में ये चार चीज होगा तर भजन नहीं करेगा। बोले क्या क्या? बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा, वो भी बड़े कष्ट उनको जो कथा में देखना बड़ा कठिन, लेकिन रोज रोज क्लब में जाकर बैठेंगे लेकिन कथा में नहीं आएंगे। बोले हमारा पैसा वाला है, सबको बीच में हम कैसे जाकर बैठ जाए हैं? बोले प्रभु बड़ा अभिमान आ जाता है पैसा होने पर, ऐश्वर्य जिसको पास में होगा तेरे भक्ति भजन करेगा नहीं, बड़ा अभिमानी आ जाएगा। खैर स्त्री, स्त्री मतलब जिसे सुंदरता, थोड़ी सी चमड़ा जिसका सुंदर हो जाए ना, हीरो हीरोइन जैसे है, फिर तो ये तुम्हारी भज भक्ति करेगा नहीं। तीसरा चीज थोड़ी लिखा पढ़ाई ज्यादा हो जाए है, थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई, ले हम इतना लिखे पढ़े हम बीच में जाकर बैठेंगे, बोले वो करेगा नहीं। और जिसको जन्म थोड़ी सी ज्यादा उच्च कुल में जन्म ले जाए, बोले प्रभु ये चार व्यक्ति तेरे भक्ति भक्ति नहीं करेंगे। अगर किसको पास में हो अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, समझना उनको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी आशीर्वाद है, बड़ी ठाकुर जी की बड़ी कृपा उनको अंदर में, इसलिए प्रभु जी मेरे झोले में विपत्ति भर दो। हाँ और एक चीज को समझो, फिर आप लोग ये समझोगे भैया जो भगवान की भक्ति करे फिर उसको फिर विपत्ति विपत्ति आए, इसका मतलब यही है। कुंती मैया विपत्ति ठाकुर से मांग रही ना, इसका मतलब है जो भगवान की भक्ति करे जीवन भर उसको दुख कष्ट किया है। बोले नहीं ऐसे मत, नहीं ये चीज ऐसे मत समझो, एक उदाहरण देकर समझा है। जैसे तुम्हारी पड़ोसी को साथ में तुम्हारी लड़ाई, तुमने तुम अपना बेटे को बोले देख बेटा भले ही जहर खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन ये पड़ोसी से बात नहीं करना, इसका मतलब नहीं तो जहर खाकर मर जाना, इसका मतलब क्या है? पड़ोसी को पास में नहीं जाना, इसका तात्पर्य कुंती जो दुख मांग रही है इसका तात्पर्य है। बोले हे प्रभु जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन को ठाकुर जी तुम जिस अवस्था में रखना उसी अवस्था तू रख ले, लेकिन कोई चिंता नहीं ठाकुर जी, लेकिन जैसे हर समय मैं तेरा भजन करते रहूं तेरी भक्ति करते रहूं। अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए तो भक्तों को क्या समझनी चाहिए? ये नहीं समझनी चाहिए ठाकुर जी का हमने इतनी भक्ति की भजन किया ठाकुर जी हमारे साथ में ये किया, ऐसे कभी भी नेगेटिव चीज नहीं समझनी चाहिए। देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो खूब नास्तिक और एक भाई खूब आस्तिक। आप समझ सकते हैं एक तो भगवान को मानता नहीं और एक खूब मानता है, और जो भाई मानता था जो नहीं मानता था उसको खेल उड़ाया गया। बोले की क्या दिन भर माला लेकर क्या हरे कृष्ण कर रहे हो, किया पत्थर को सामने बैठे हो, कोई काम धाम है नहीं, बेकार सब चीजें। एक दिन क्या हुआ, दोनों भैया जा रहे थे, जाते जाते जो ठाकुर को नहीं मानता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, मेरे को सोने की मोहर मिल गई। उसने जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा जो भाई भक्ति करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख गड़ गई और खून बहने लग गया, और जो भक्ति नहीं करता था बोले देख लिया तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, मेरे को सोने की मोहर और तेरे को प्यार में सीख गड़ गई और खून बह रहा है। वो तो बड़ा दुखी हो गया। बोले ठाकुर जी दिन रात मैं तेरे भजन करता हूँ भक्ति करता हूँ, तू मेरे को सबको सामने से अपमान कर रहे हो। जब इतना बोले ना आकाश वाणी हुई, बोले बेटा ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख होता है नहीं करने वालों को सुख होता, कभी ऐसे मत समझो बेटा। कृष्ण गीता में स्वयं कहते अर्जुन सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया, मेरे लिए अगर किसी कोई काम करता है उसको मैं जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त कर देता हूँ, लेकिन बेटा तुम दोनों को पूर्व जन्म की बात याद नहीं, सुना पूर्व जन्म की बात, आज जो इसको सोने की मोहर मिली है ये पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य किया था कि आज का दिन इसको राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन वो मेरे और मेरे भक्तों को निंदा चुगली करता है, इसलिए मैंने उसकी सारे पुण्य को खत्म करके एक सोने की मोहर दे करके वंचित कर दिया। और तेरी बात सुन लो, पूर्व जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को फांसी झूलने का था राज दरबार में, लेकिन चूंकि तुम मेरे भजन करते हो भक्ति करते हो मैंने सारे पाप को खत्म करके प्यार में एक एक सीख कड़वा करके तेरे को छोड़ दिया, इसलिए ये मत समझो भक्ति करने पर दुख और नहीं करने पर सुख, कभी ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। हमने क्या क्या कर्म कर गया हमें थोड़ी पता है,
हाँ दिखाई पड़ता है, हमें इसी जीवन में भक्ति कर गए, लेकिन पहले हमने किया कि हमें थोड़ी पता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव ठीक नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। पितामह भीष्म सरसज्जा में लेटे हुए, इनकी भी अंतिम इच्छा है ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते, ठाकुर का दर्शन करते हुए अंतिम श्वास को त्याग करे। ठाकुर जी उनकी इच्छा भी उन्होंने पूरी की। जब उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन करते करते गए, आकाश से सारे देवता लोग पुष्पों की बौछार की, बोले श्री पितामह भीष्म की। अभी कृष्णा हस्तिनापुर में बहुत दिन से है। एक दिन कृष्ण बोले देखो युधिष्ठिर महाराज, ये द्वारका भी तुम्हारी राज्य है, अभी तक कम से कम हमें विदाई दो। तब उन्होंने अर्जुन को बोले जाओ विदाई दे करके आओ, लेकिन 7 महीना हो गया अभी तक अर्जुन आया ही नहीं। एक दिन बड़े अपशकुन उन्हें देख रहे थे, हठात अर्जुन को आया हुआ देखा, एकदम चेहरा लटकता हुआ। बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले प्रभु वो कृष्ण के नहीं है भगवान, ये संसार छोड़ करके चले गए, ये जगत में रहे ही नहीं। फिर एक एक गुण ठाकुर जी की स्मरण कर रहे थे। बोले आपको याद होगा? बोले किस चीज की? बोले जिस समय आप पासा खेल रहे थे, पहले तो राज्य को आपने दाव में लगा दिया, कपट युद्ध में उन्होंने सब कुछ ले लिए, फिर उन्होंने अपने जितने स्वर्ण फर्ण सब लगा दिए, फिर भाई लोगों को भी लगा दिए, लास्ट में अपने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिए, इतने में उन्होंने द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, हमारी नौकरानी, जा पकड़ करके ले आओ। उन्होंने भरी सभा में घिसटते हुए ले आए, बोले मेरे जंघे को ऊपर बैठा दो। इतने में उन्होंने दोनों हाथ उठा करके जब उन्होंने हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरि जन भुजाएं जब उन्होंने उठाए, इतने में कृष्ण अपना दुपट्टा को उन्होंने फेंक दिए। बोले 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रही थी साड़ी की कोई नारी, नारी बीच कोई साड़ी है। देखो माताएं भाई लोग एक चीज ध्यान देकर सुनो, अच्छी चीज को सुनो। एक दिन ये द्रौपदी ये उत्तरा को बोल रही थी, उत्तरा कौन है? ये अभिमन की पत्नी, उनके पुत्र वध हुए। आप लोग ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं देखो उत्तरा, मेरा अपना जीवन में एक आजमाया हुआ चीज अनुभूति तेरे को मैं बता रहा हूं। उत्तरा बोली बताओ क्या बताना चाहती हो? बोले किसकी शरण में जाना है ना, केवल श्री बांके बिहारी जी की शरण में जा और किसी की शरण में मत जाया करो। तो उत्तरा ने पूछी क्यों? आप लोग भी ये चीज को अच्छे तरह समझो, क्यों? बोले पहले मैं भी बड़ा अहंकार करती थी। क्या अहंकार करती थी? बोले 5-5 योद्धाओं की मैंने पत्नी हुई, पृथ्वी में भीम का टक्कर देने वाले कोई नहीं, गदा युद्ध में अर्जुन को टक्कर देने वाले हमारे धनुष युद्ध में कोई नहीं, और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा और भाला युद्ध में टक्कर देने वाले कोई नहीं थे, और नकुल सहदेव इनकी जैसे तलवार युद्ध में कोई खेलने वाले नहीं थे। मेरे 5-5 पति बड़े में हिंकड़ती थी, डीघ हांकती थी, मेरे 5-5 पति कौन क्या मेरे कर लेगा। लेकिन अपना जीवन में मैंने देखा है जिस समय इन्हें जुआ में हार गए और दुशासन ने मेरे को साड़ी खेच करके घिसटते हुए भरी सभा में ले आए, मैं अहंकार कर रही थी मेरे 5-5 पति मेरे हिजड़ा क्या कर लेगा, मैं आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी ये पांडव लोग कुछ ना तो कुछ बोलेंगे, सब सर झुका कर बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मैंने देखा यहाँ पर पितामह भीष्म बैठे हुए, अगर मुंह से एक बोली निकले ना इनको कोई खंडन करने वाले नहीं, उनको तरफ में भी आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी। फिर से धृतराष्ट्र हैं वहां पर कृपाचार्य सबके सब बैठे हुए थे, मैं सबको देख रही थी, आतुर से देख रही थी कुछ तो बोलेंगे मेरे प्रति, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। जब देखा मेरे को कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, फिर मैं अपनी हाथों से कपड़े को जोर करके पकड़ रखी थी, मैं साधारण घर की नहीं, मैं खुद को बचा लूंगी,
लेकिन कहां दुशासनों के सामने टिक सकता है। पर दांतों को नीचे जब हाथ से चली गई, पर दांतों को नीचे कपड़े को मैंने पकड़ करके मैंने रखी थी है, लेकिन जब देखा कुछ काम नहीं किया, जब मैंने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तीवन हरि ठाकुर जी, जगत में तेरी सिवाय जगत में कोई और है ही नहीं, ठीक उसी समय में ठाकुर ने हमें वस्त्र प्रदान की। देखो ये द्रौपदी कह रही है, किसको उत्तरा को कह रहे, बोले द्रौपदी आप देखना जब विपत्ति आए ना ये दुनिया में भी जिसको हम अपना अपना कह रहे ना, कहते आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो है और पैसा खत्म आप कैसे नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, इसलिए शरण में जाना तो किसकी शरण में जाओ, बोलो किसकी शरण में जाओ, द्रौपदी का तो पांच पांच पति था, हमारे तो एक पति, और उसी समय में और उस त्रिभुवन में सबसे बड़ा विजेता थे, लेकिन अंतिम समय में कोई भी काम हमारी नहीं आए, अंतिम समय में कौन काम में आएगा, बोलो कौन काम में आएगा, ठाकुर जी केवल हमारी काम में आएंगे, कोई हमारे काम में आने वाले नहीं, इसलिए क्या करो शरण में जाओ, तो किसकी शरण में जाओ, श्री बांके बिहारी जी की शरण में जाओ, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री राम। Radha, 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 Radha. ठाकुर के सामने आज लगाएंगे बजाओ 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 राधा नाम की Yeah!
पानी पानी रस चले पानी पानी प्रेम स्वभाव परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए चले गए। परीक्षित महाराज जब राजत्व कर रहे थे, एक दिन बड़े अपशकुन उन लोगों ने देखा। अपशकुन देख करके उन्होंने चतुरंगणी सन्नी को लेकर के गए देखने के लिए, मेरे देश में कहां अनहोनी हो रही है। हठात उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है। देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो एक प्यार को भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। परीक्षित महाराज झपट पड़े, बोले बताओ ये कौन है। बोले ये पृथ्वी है। बोले दुखी क्यों। बोले कृष्ण चले गए, अभी कलयुग आ जाएगा, लोग पाप कर्म करेंगे इसलिए दुखी। बोले ये बैल कौन है। बोले ये धर्म है। बोले इसका तीन चरण कहाँ गया। बोले सत्य त्रेता द्वापर तीन युग बीत चुका है,
धर्म का तीन ही चरण खत्म हो गई, धर्म केवल एक चरण में खड़ा हुआ। और ये कली है वो कोशिश करता है धर्म, कलयुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं दे। बोले देखो मैं जब तक ये दुनिया में हूँ तब तक वहां तुम रह नहीं सकते हो, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाओ, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपकी राजत्व है, मैं जहां जाता हूँ वहीं पर आपको धनुष लिए हुए खड़ा हुआ देखता हूँ, मेरे को भी कहीं स्थान दे। परीक्षित महाराज देखा कलयुग में यद्यपि सारे अपगुण हैं लेकिन कलयुग में एक ही गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कलयुग में सारे दुर्गुण हैं, केवल एक ठाकुर जी के नाम को जो कर ले बस संसार से बड़ा पार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। बोले कलि को कहां कहां पर स्थान दिया, मतलब है कलयुग में जो दवा ठाकुर का नाम, ये सबसे मीठी दवा है, लेकिन नाम को करने के लिए चार नियमों का पालन करनी चाहिए। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, जब वो दवा देगा ना बोलेगा भैया दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे दवा जल्दी जल्दी असर करेगा, अगर बगैर परहेज के लोगे फिर तो दवा लेते रहोगे लेकिन दवा कोई काम नहीं करेगी। आप लोग भी ध्यान से सुन लो, ये क्या परहेज है, भगवान के नाम लेने के लिए ये दवा इसके परहेज किया। परहेज है पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज दिखाया देखो मैं धर्मराज हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गए, पहले तो राज्य गया, भाई गए, पत्नी गई, सब दुनिया गए। इसलिए जो जुआ खेलेगा ना इतने नीचे तक वो व्यक्ति उतर सकता है, कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला सत्य, ये सत्य खत्म हो जाती है। दूसरा नंबर है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये सब नहीं लेनी चाहिए। धर्म का दूसरा चरण तपस्या, इसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा नंबर स्त्रियम, स्त्रियम मतलब है स्त्रियों के ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री, जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष का संग करते हैं वहां पवित्रता की नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। जब उन्हें चार जगह पर स्थान दे दिया तभी ये कली खुश नहीं, बोले मैं कहां कहां ढूंढू, कौन जुआ खेल रहा है, कौन है, कौन शराब पी रहा है, कौन उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, मैं कहां कहां ढूंढू, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जहां पर ये चार चीज मिल जाए। फिर उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया, सुवर्ण मतलब पैसा में स्थान दे दिया, जहां पर ज्यादा पैसा देखोगे वहीं पर ये सारे अनर्थ वहीं पर होता है, शराब पीना जुआ खेलना अवैध स्त्री संग, इसलिए जितने सारे गंदा काम यही चलता है। लेकिन हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते भैया पैसा तो लक्ष्मी है पर लक्ष्मी को ऊपर ये कली का निवास कैसे है। हाँ इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए, माँ लक्ष्मी की बहन कौन है आप बता सकते हो, माँ लक्ष्मी की बहन कौन है, उल्लू। कहती जब लक्ष्मी आती है ना घर में वो उल्लू के ऊपर बैठ कर जाती और हमें उल्लू बनाती है, लेकिन लक्ष्मी का बहन तो उल्लू लेकिन उसका और एक बहन है, कौन है, एक तो उल्लू है और एक कौन है बता सकते हो, कहते एक है गरुड़। लेकिन आप देखना कभी भी गरुड़ के ऊपर में माँ लक्ष्मी को अकेले कभी नहीं देखोगे, लक्ष्मी नारायण दोनों को देखोगे, मतलब है लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है पैसा के बगैर है, लक्ष्मी को बुलाओ। लेकिन ये लक्ष्मी है किसकी, लक्ष्मी नारायण की है, अगर लक्ष्मी को बुलाओ क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए, फिर तो माँ लक्ष्मी गरुड़ को ऊपर में बैठ करके आएगी नारायण को साथ में, फिर हमारे घर को वैकुंठ बना देगी। अगर लक्ष्मी को घर में बुलाओगे अपना भोग के लिए, माँ लक्ष्मी आओ आओ, बोले क्यों हम तुमको भोग करेंगे, उल्टा सीधा चीज खाएंगे, फिर तो लक्ष्मी नाराज होकर के उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी, जितने दुख कष्ट लेकर के आएगी और हमें उल्लू बनाएगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलानी चाहिए। जब उन्होंने स्थान दे दिया, एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए और उन्होंने बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, श्रृंग ऋषि को देखा तपस्या करते हुए, पानी मांगे, वो ऋषि भजन कर रहे थे पानी नहीं दे पाए तो उनके गले में मरा हुआ सर्प को डाल करके आ गए।
जब उसको बेटा को पता चला, उन्होंने अभिशाप दी, जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूं सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। लेकिन जब उन्होंने अभिशाप दे दी, जब उसको पिताजी को पता चला मेरा बेटा ने परीक्षित महाराज को अभिशाप दी, उन्होंने भी ऋषि समाज को अभिशाप दी। बोले कहां परीक्षित महाराज आए थे, हमारे अहोभाग्य है, इतने बड़े कृष्ण भक्त, पानी तो दिया ही नहीं, अभिशाप दे दिया तुमने उल्टा। मैं भी अभिशाप देता हूं जो ब्राह्मण में जो बाक शक्ति है, बाक शक्ति मतलब पहले ब्राह्मण जो बोलते थे वही होता था, मैं भी अभिशाप देता हूं इनकी सारे बाक शक्ति खत्म हो जाएगी। परीक्षित महाराज जो पता चला, अगर किसी व्यक्ति को बोल दो 7 दिन में तुमको सांप काटेगा, आप बताओ क्या होगा, हम तो आधा ही मर जाएंगे। लेकिन वो खुश हो गए, बोले किस लिए, बोले एक दिन तो मरना सबको, लेकिन देखो ठाकुर जी कितने दयालु, 7 दिन पहले हमें सूचित कर दिया, कम से कम 7 दिन तक हमें भगवान की कथा सुनते सुनते ये जीवन को मैं बिता सकता हूँ। इन्होंने अपना बेटे को राज्याभिषेक करते हुए उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लिया, गंगा ठाकुर जी की चरणामृत है, चरणामृत नहीं माना ठाकुर जी के चरण को आश्रय लिया। पहले ये टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होती थी, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था, वहां पर सारे ऋषि मुनि लोग अपना दिव्य शक्ति से, उनको पता चला अभी श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, श्रीमद भागवत कथा होगी, वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए। आज परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये अभिशाप नहीं वरदान है, जीवन में एक संत दर्शन दुर्लभ है, लेकिन ठाकुर को कृपा तो देखो, आज इतने सारे संतों के दर्शन है, मेरा तो भाग्य जग गया है। तब उन्होंने प्रश्न की, आज कल परसों बरसों सबको एक दिन मरना है, कोई नहीं बोल सकता है चिरकाल इस संसार में रहेगा, इसलिए आप कृपा करके बताओ मरण से व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। बोले नासो मुनिर जसम मतम न भिन्न, ऐसे कोई ऋषि नहीं था जिसका मत ही अलग नहीं था। कोई बोल रहे थे भैया विघ्न विनाशन गणेश जी की पूजा करो, किसने कहा उसका मैया क्या कहीं चली गई, किसने कहा उसका बाप क्या कहीं चले गए, किसने बोले भैया मृत्युंजय पाठ करो, सब ऋषि अलग 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 बात करने लगे गए। इतने में परीक्षित महाराज ने देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कुल 7 दिन है, हैं ये लोग तो शास्त्रार्थ में ये लोग लग गए हैं, शास्त्रार्थ में लग गए, इसलिए इतने में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए। हे ठाकुर जी मातृगर्भ में आप ही मेरे को रक्षा की थी, मेरे केवल एक ही इच्छा आपकी कथा सुनते सुनते मेरे अंतिम समय बीत जाए। जब उन्होंने शरणागत हुए ना, भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज की। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर आप अंतर आत्मा से अगर भगवान को बुलाओ ना, ठाकुर जरूर ठाकुर जी सुनते हैं। माना सुखदेव गोस्वामी रूप में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, और कभी नाचते हुए कभी गाते हुए, कृष्ण प्रेम उन्माद है। लेकिन साधारण बच्चे तो सोच रहे थे कोई पागल है, स्त्रियां तो देख देख कर पागली में हो रही थी, क्यों इतने सुंदर थे। हे भगवान माना ये साक्षात काम देव है, लेकिन लगता है ये पागल जैसे। लेकिन जब उन्होंने ऋषियों को बीच में प्रवेश किया, ऋषि लोग तो पहचान गए भैया यही इनकी सही उत्तर देगा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी सबको उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि सबसे छोटे थे, उनके पिताजी की पिताजी की पिताजी की बैठे हुए थे, सबको उन्होंने प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी पर बैठ गए। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं जोगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताओ, म्रियमाणस्य मतलब एक दिन सबको एक दिन मरना ही है, आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, सबके एक दिन मरना ही है जगत में, इसलिए ऐसी जो मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और जगत में से क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में सब कुछ मिल गया। इसलिए कृष्ण जिसको कहते हैं अर्जुन जन लब्धात चापर और लाभम मन्नते अधिकम तत्व, जिसको पाने के बाद ये लगे पृथ्वी का सारे वस्तु मेरे को मिल गई, किसी वस्तु बाकी नहीं रह गया। लेकिन ये दुनिया में देखो
जितने भले हमारे पास में पैसा गिनो। अब अंबानी को पूछ लो, इतना पैसा क्या तुम तृप्त हो गए? वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला मैं बनने चाहिए। इसलिए हम कहते ना कमाई, क्या कहते कमाई, कमाई मतलब क्या, कम आई ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन ऐसे जगत में क्या वस्तु है जिसको पाने के बाद ऐसे लगता है मेरे को तो जीवन में सारी चीज मिल गई, किसी चीज की कमी नहीं। आप कृपा करके बताओ क्या जीव का कर्तव्य क्या जीव का अकर्तव्य। चवन ने ये प्रश्न की, प्रश्न सुनकर के बड़े खुश हो गए, बोले वाह तुमने क्या सुंदर प्रश्न किया है। जिस प्रश्न को सराहना आत्मा में जो रमण करने वाले जोगी लोग भी तुम्हारी इसकी सराहना करेंगे, तो उन्होंने इसकी उत्तर देते हैं। आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। बोले देखो परीक्षित महाराज, ये जो मानव शरीर है ये साधारण जन्म नहीं है, जिसको भगवान राम कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सतन लोगों के लिए भी ये भारत में विशेष करके जन्म लेना बड़ा कठिन है। फिर किसी सनातन धर्म में जन्म लेना ये तो बड़े भाग्य की बात है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो काम करके फिर मरते जगत में फिर मानव शरीर मिल सकता, ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोले सुर दुर्लभ, तो ये देवताओं के लिए भी भारत में ये मानव शरीर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारा देश का नाम है भारत। भारत मतलब क्या, बोले भा मतलब होता है प्रकाश, रत्न मतलब होता है जो हर समय प्रकाश का तरफ में चलते हैं, इसलिए हमारे देश का नाम है भारत वर्ष है। जितने गीता वेद उपनिषद सब हमें भारत में ही उपलब्ध है, इसलिए ये जीवन बड़ा दुर्लभ। बोले क्यों ये मानव शरीर को इतना दुर्लभ क्यों बताए, बोले कारण है, बोले साधन धाम, ये 84 लाख जीवन में एक ही जीवन मिला, एक ही जीवा मिला जिसमें तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कह सकते हो। ये मानव के सिवाय और किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकता है, बोलो और कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। दो ही आपको चरण दिए जो घर से सत्संग में आए हो, यहाँ पर कोई जानवर कोई पेड़ पौधा बैठा है, दो ही आंखें दिए जिसमें ठाकुर का दर्शन कर सकते हो, दो ही हाथ दिए जिसको द्वारा ठाकुर जी की चरण की सेवा कर सकते हो, एक ही हृदय दिया जिसमें हम ठाकुर जी को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम लोग पहुंचे हो, मुक्ति की दर्जा पर पहुंचे हो। लेकिन ये जीवन पा करके जब परलोक सवारा, मतलब परलोक को सुधारने के लिए जो कोशिश नहीं किया, मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान कहते हैं उसको बाद में फिर सर तब पटकते रह जाओगे, लेकिन ठाकुर जी ये दोबारा मानव शरीर तुम्हें नहीं देंगे, ये मानव शरीर और नहीं मिलेगा। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ये कोहिनूर हीरे हैं। ये क्या है, कहते कोहिनूर हीरे हैं, ये मानव शरीर नहीं। जैसे टाटा बिरला पैसा ज्यादा है, अगर वो अंतिम श्वास छोड़ने वाला डॉक्टर ने बोल दिया ये इसका अंतिम श्वास है, अगर उनको बोले भैया तुमको 4 कोहिनूर हीरे देते हैं, उसका 4 श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं 4 कोहिनूर हीरे, उनको 4 श्वास को वापस ला सकते हैं,
नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये मानव शरीर एक जो श्वास है इसका कीमत अनमोल है। बोले भैया इसकी श्वास श्वास की सार्थकता किसी में, जब श्वास श्वास में हम भगवान के नाम को ग्रहण करें, ठाकुर जी की नाम कर लेंगे। लेकिन ये मानव शरीर पाकर फिर हम कर रहे हैं क्या? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो। बोले हम चार काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हो? बोले दिन में दो काम करते हैं और रात में दो काम। बोले दिन में दो, रात को क्या है? बोले दिन में पैसा कमाओ और उसको जरा मेंटेनेंस संसार को करो, और रात को सो और ये विषय भोग करो, बच्चे जन्म दो। सुखदेव गोस्वामी कहते बताओ ये काम कौन नहीं कर रहा है? तुम कौन सा बड़ी भारी तीर मार दिए? सुखदेव गोस्वामी कौन सा बड़ी भारी तीर मार दिए? तब उन्होंने एक सुंदर कथा सुनाई। बोले एक समय को एक जज जा रहा था, देखा एक सुअर लेटा हुआ, इतने में जज पहना था बूट और जोर से उस सुअर को मारा। सुअर बोला भैया तू मेरे को क्यों मार रहे हो? बोले तू सुअर हो? बोले तू कौन? बोले दिखने रहे मैं जज। सुअर ने पूछा ये बताओ मेरे से तुम किस काम से बड़े हो? जज ने पूछा बोलो। बोले ये बताओ तेरे कितने बच्चे हैं? बोले दो, चार, दस, इससे तो कोई बच्चे जन्म नहीं देते हैं। सुअर ने कहा तेरे को पता है मैं 6 महीना में एक बार बच्चा देता हूँ, 1 दर्जन से कम नहीं। अब देखे होंगे ना सुअर कितना बच्चा जन्म देता है। बोले 1 दर्जन से कम नहीं देता हूँ, तो इसमें भी तुम फेल हो। बोले ये इसका दूसरा प्रश्न है, ये बताओ बच्चों को बड़ा बनाने के लिए कितना साल लगाते हो? अब देखना लिखा बड़ा सिखा करके नौकरी चाकर दे करके जब तक उसको शादीशुदा नहीं कर देते ना तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होता है। अगर कोई बच्चा अगर निकम्मा हो जाए ना जिंदगी भर मरने का पहला तक हमारी बोझ बन जाता है। सुअर ने कहा तुमको पता है कुल 1 महीना में ये बच्चों को मैंने होनहार करके छोड़ देता हूँ, 1 महीना में, जाओ तुम भी घर गृहस्थी करो। उसका तीसरा प्रश्न है, देखो ये बहुत अच्छी बात समझा रहे, तीसरा प्रश्न है बोले बच्चा तुम ये बताओ तुम अपना संसार को भरण पोषण करने के लिए तुमने क्या किया? बोले पहले माइनर स्कूल गया, फिर बोले हाई स्कूल में, फिर बोले यूनिवर्सिटी में, बोले फिर बोले किसी सब्जेक्ट बोले डिग्री किया, बोले उसको बाद में बड़े कष्ट से एक नौकरी किया। बोले कितना घंटा काम करते हो? बोले 8-10 घंटा तो काम करता हूँ। बोले उसको बाद में फिर पैसा कमा कर किसी तरह से परिवार को मेंटेनेंस करता हूँ। वो सुअर कहता है इतने इतने बच्चों को मेंटेनेंस करने के लिए मैंने कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई माइनर स्कूल नहीं गया, कोई मैंने कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया, कि कोई नौकरी नहीं करता हूँ, ये तो खाना बिना ताजा ताजा मिलता है रास्ता में खा लेता हूँ, पेट पाल लेता हूँ। सुअर ने पूछा रात को नींद आती है तेरे को? अगर संसार का कोई ज्यादा बोझ हो जाए ना, बेटा बेटियों को शादी करना पढ़ाई करना, बोले तेरे को एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर तेरे को नींद नहीं आती होगी? मेरे को तो नो टेंशन, कीचड़ों के ऊपर आराम से सोता हूँ। देखो ये भागवत में, ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसका मतलब है अगर हमने कुछ लिखा पढ़ा सीख लिया, कोई नौकरी कर लिया, कोई 2-4 बच्चे जन्म दे करके शादीशुदा कर दिया ना, कहते बढ़िया कोई तुमने बड़े घर तीर नहीं मार दिए हो। अगर किसी विषय पर आप विचार करोगे इसमें ये जानवर एडवांस हमसे जाता है, हर चीज में दिखा दिया है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते फिर क्यों ये मानव शरीर को हर शास्त्र में कहीं भी देखो इसको देव दुर्लभ जीवन बताया, देव दुर्लभ क्यों? बोले केवल एक ही कारण है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल करके अपना घर में वापस जा सकते हैं। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम में तुम आओगे तो फिर ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट में पड़ना नहीं पड़ेगा, परम आनंद परम शांति मिलेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ये जीवन पाकर क्या करो, भगवान की भक्ति करो। और कलियुग में भगवान सबसे सरल उपाय दिया है, ज्यादा कोई परिश्रम की बात नहीं बताए, क्या है? कलियुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलियुग में भगवान के नाम को द्वारा ही जीव संसार से पार हो सकते हैं, इसलिए जीवन पाकर क्या करो, भगवान की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।
बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 बीच में हमारे एक छोटे प्रभु जी है और आपको थोड़ी सी कथा माइक देता हूं थोड़ी सी आपको कथा सुना अच्छी कथा सुनाएंगे हैं प्रभु जी बड़ी अच्छी कथा सुनाएंगे कल एक प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना अच्छी कथा सुनाएंगे नहीं हां ये प्रभु भी बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे अभी आप लोग सुना प्रभु जी माइक हां देखो आप लोग ये मत समझो हरे कृष्णा आप लोग ये मत समझो ये कोई लिखा पढ़ा नहीं ये अनपढ़ व्यक्ति है नहीं देखो इनको पूछो ये क्या पढ़ा लिखा हुआ है कहते ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसका जो तनख्वाह है ना 1 लाख रुपया से तनख्वाह है इस 1 लाख रुपया से तनख्वाह है नौकरी भी करता है पढ़ाई लिखाई भी है लेकिन इसको साथ साथ में भगवान की भक्ति करता है अभी ये बहुत अच्छी बात बताएंगे है बढ़िया बात बताएंगे इसलिए आप लोग सुनो ये क्या बोलता है ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदु में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम गुरुदेव ने आज्ञा दी है थोड़ा सा कुछ हरि कथा सुनाने के लिए कि हमें भजन क्यों करना चाहिए भजन करने से क्या होगा क्या ये एक भावनात्मक स्तर पर है कि चलो हमें करना चाहिए तो हम करें या इसके पीछे कोई साइंस भी है या इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है इससे रिलेटेड कुछ दो तीन चीजें आपको बता देती हूँ देखो मैं कल एक बहुत अच्छी मैंने चीज सीखी यहाँ पर जिन्होंने भी ये भागवत कथा रखाई ना जिन्होंने भी ये जो आयोजन किया हाँ साधुओं को बुला करके आपको भागवत की बातें जो सुनवा रहे हैं वो बड़े ही कोई एक अच्छा व्यक्ति होगा जिसने ये अरेंजमेंट किया और आप सबको कथा सुनने का अवसर प्रदान किया है ना अवसर प्रदान किया ना क्यों क्योंकि तो भागवत कथा में आकर के सुनने का कोई पैसा लगता है किसी ने कोई फी भरी है नहीं भरी ना कोई भी फी ठीक है देखो मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस किसी के प्रति धन्यवाद प्रद होना हमको एक बार क्या हुआ एक बार था नाई होता है ना एक नाई था वो नाई कहीं से उसको ऐसा लगा कि देखो मैं नौकरी करता हूँ मुझे ये जीवन मिला मुझे क्यों ना भगवान के लिए कुछ करना चाहिए आई शुड डू समथिंग फॉर गॉड तो उसने डिसाइड किया कि जो मेरा सवेरे पहला कस्टमर आएगा ना जो सुबह मेरा पहला कस्टमर आएगा उसको मैं फ्री कटिंग करूंगा और बोलूंगा देखो भगवान मैंने आपके लिए कुछ किया मैं तो जानता नहीं कौन भगवान है बस मैं ये सोचूंगा कि मेरे को इतना कुछ मिला तो मैंने फ्री कटिंग करके कुछ दिया समाज को कुछ दिया तो उसने क्या करा पहले दिन जब उसने दुकान खोली तो एक व्यक्ति आया वो व्यक्ति था फ्लावर मैन जो फूल वगैरह बेचते ना फ्लावर मैन था उसने आया उसने कटिंग करी वो कटिंग करके जब जान उसने बोला कितना पैसा हुआ बोला इट्स फ्री वो जो फूल वाला तो बड़ा प्रसन्न हो गया बोला फ्री क्यों बोला जो पहला व्यक्ति होगा ना उसको मैं फ्री करता हूँ ये मैं थैंक यू कह रहा हूँ किसको थैंक यू कह रहा हूँ भगवान वो बड़ा प्रसन्न हो गया और चला गया जब अगले दिन जब वो बार बार शॉप खोलने आया ना उसने देखा वहां पे 4-5 गुलदस्ते रखे हुए
चार पांच गुलदस्ते रखे हुए और उसमें छोटी सी स्लिप लिखी है जिसपे लिखा है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी कटिंग करी, थैंक यू सो मच। मैंने उसके बदले आपको क्या दिया, गुलदस्ते दे दिए। ऐसा बोल करके वो व्यक्ति बोला, अरे वाह, मैंने तो एक काटा था, उसने पांच पांच गुलदस्ते दे दिए। अगले दिन जब उसने दुकान खोली, अगले दिन फिर एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति होटल में काम करता था, उसकी फ्री कटिंग करी। अगले दिन आकर के देखा उसने बहुत सारा खाना भिजवा दिया उसके लिए और एक स्लिप रखी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटिट्यूड। क्या, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटिट्यूड। अगले दिन एक और व्यक्ति आया, हाँ, वो जो व्यक्ति था वो मिठाई की दुकान में काम करता था, किसकी दुकान में, जब उसकी फ्री कटिंग करी तो अगले दिन जब उसने शॉप खोली, उसने देखा बहुत सारे मिठाई के डब्बे रखे उसकी दुकान के सामने, और जब उसने डब्बे पे स्लिप देखी उसमें लिखा है थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटिट्यूड, आपने जो मेरी फ्री कटिंग करी उसके लिए थैंक यू सो मच। उसने क्या दिया, मिठाई दे दी। ऐसा बहुत दिन तक चला, तो मुझे इसका इक्वल काम कर दिया। एक बार क्या हुआ, जब उसने सुबह दुकान खोली तो देखा कोई एक गुजराती व्यक्ति आया। कौन आया, गुजराती व्यक्ति आया। उसने कटिंग करी, कटिंग करने के बाद उससे पूछा कितना पैसा हुआ, उसने बोला नो फ्री, साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं भगवान को थैंक यू इसी तरीके से कहता हूँ, आपके लिए कटिंग फ्री। अगले दिन जब उसने आकर शटर खोला ना, वो 12 गुजराती खड़े थे, वो सामान नहीं था, क्या खड़े थे, क्यों क्यों खड़े थे बताओ, फ्री कटिंग कराने के लिए खड़े थे। देखो ये जो भागवत कथा जो भी रखा रहे या जो भागवत कथा बोल रहे हैं, उनको कुछ वस्तु प्राप्त हुई। क्या हुई है, कोई वस्तु प्राप्त हुई, और वो वस्तु बड़ी अनमोल। क्या है वो वस्तु, बड़ी अनमोल। उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना जो वस्तु हमें प्राप्त हुई हम सबको बांटे। लेकिन हम लोग समझदार नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज का लाभ नहीं उठा पाते। देखो सब अवेलेबल है ना, सब फ्री है, गुरु जी बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, पूरा अरेंजमेंट है, प्रॉपर सब कुछ है, लेकिन हम लोग आते नहीं, हम लोग स्मार्ट नहीं बनते। जैसे वो गुजराती व्यक्ति था ना, उसने देखा अरे फ्री, आगे जाकर कितने लोगों को बता दिया, 12 लोगों को बता दिया। इसलिए हमें जो वस्तु यहाँ पे प्राप्त है, हमें आगे जाकर के दूसरे भी लोगों को बताना चाहिए, ताकि सब लोग यहाँ पर आकर के इस वस्तु का लाभ उठाए। इसलिए मैंने छोटी सी एक कहानी सुनाई आपको, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भागवत कथा के अंदर। हम लोग सोचते हैं ये जो भागवत में जो बातें लिखी हुई है, ये गीता में जो भी बातें लिखी हुई है, या जो भी हमारे शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, मॉडर्न लोग, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, कौन सा जमाना चल रहा है, मॉडर्निटी का, सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, सब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जब पढ़ते हो तो उसमें जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है उसको क्या बोला जाता है, कोई बता सकते है? क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी। क्या बोलते हैं, कोई किसी को ऑब्जेक्शन, बोलते कि नहीं बोलते, कोई भी कुछ भी चीज रिलेट करना हो, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथ राम टुक बर्थ इन अयोध्या, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। मिथ का मतलब क्या होता है, क्या होता है मिथ का मतलब, झूठ, झूठ जो सत्य नहीं है, होता है ना, मिथ का मतलब झूठ होता है ना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हिंदुओं के झूठ के हिसाब से राम ने वहां जन्म लिया, ऐसा पढ़ते हैं बोलते हैं, ऐसा ही पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर। माइथोलॉजी, बाइबल को माइथोलॉजी नहीं बोलते, कोई कुरान को माइथोलॉजी नहीं बोल सकता, केवल और केवल अकॉर्डिंग टू हिंदूज मिथ, हिंदूज माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स, दिस हैपेंड दिस, ऐसे करके बोलते हैं। और हम लोग बड़े शान से उसको पढ़ करके आगे निकलते, क्यों, बिकॉज वी आर मॉडर्न, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, सो कॉल्ड लोग इसी को जब पढ़ते तो पढ़ा लिखा बोलते, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। लेकिन इसी भागवत को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसी भागवत को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल फील्ड से जिन्होंने बायोलॉजी लिया हो, साइंस लिया हो, कोई भी हाथ खड़ा करो प्लीज, जिन्होंने साइंस लिया हो, कोई भी नहीं। जब भागवत कथा आप जब हम भागवत कथा पढ़ते हैं, जब कपिल मुनि देवहूति को समझा रहे कि ये जब बच्चा गर्भ में होता है उसकी क्या स्थिति होती है, जिसको आज की साइंस में बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के इतने गूढ़ विचार उसके अंदर भागवत के अंदर लिखे हुए, कि भागवत पहले आई या साइंस पहले आया, ये वाला आप बताओ, जोर से बोलो, भागवत पहले आई ना।
कपिल मुनि देवभूति को बता रहे हैं कि गर्भ में जब बच्चा आता है उसकी स्थिति कैसे होती है, 7 दिन में कैसे हो जाती है, 15 दिन में कैसा हो जाता है, 1 महीने में कैसा होता है, 2 महीने में कैसा, 3 महीने में कैसा और कैसा दिखता है मटर के दाने, पूरी वर्णन उसके अंदर भागवत के अंदर पूरा वर्णन किया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हाँ ये सोनोग्राफी वगैरह जो आजकल होती है, पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब आप बताओ कैसे देखा, बताओ कैसे देखा, और गलत एक भी बात गलत नहीं है। अभी जब इंस्ट्रूमेंट से देखते तो एग्जैक्टली वैसा ही निकल करके आता है, और डॉक्टर्स लोग वैसा चार्ट लगा करके और पढ़ाया भी जाता है बायोलॉजी में, मैंने खुद ने 10th में उसको पढ़ाया, आप सबने पढ़ा होगा शायद। तो अब बात बताओ कि जो ये भारत के ऋषि मुनि थे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कि नहीं थे, आप मेरी कितने लोग मेरी बात से सहमत हुए हाथ खड़ा करो प्लीज, कि हाँ वो लोग साइंटिस्ट थे। कैसे पता लगा, जो चीज नहीं दिख रही है वो उन्होंने कैसे देखी। क्या ये सुनकर के हमें प्राउड फील नहीं होता कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने महान थे, हाँ प्राउड फील होता है ना सुन करके। लेकिन अभी विज्ञान कहां तक पहुंचा है कि जो बच्चा पहले दिन कैसा दिखता है, चौथे दिन कैसा दिखता है, 15 कैसे उसका दिखता, केवल कैसा दिखता है ये उनको पता है। इसकी उन्होंने फोटो दिखाते भी हैं और लगाते भी हैं, लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है ये बता सकता है कोई डॉक्टर, हाँ वो बच्चा क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, यहां तक साइंस पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा ना। लेकिन भागवत के अंदर ये भी लिखा है कि वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, यहां तक की बात लिखी हुई है। इतने महान भारतीय संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, सोचो हम कितने फॉर्चुनेट है कि नहीं, अब आप कुछ सोच करके देखो। लेकिन ये सब छोड़ करके हम कहीं और भागते हैं, इसको पढ़ते नहीं, हमारी गलती नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया इस तरीके से कभी। अरे इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है क्या, वेदों के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स भी है जिसके अंदर केवल 16 फॉर्मूले के अंदर पूरा ही मैथमेटिक्स है, जिसको चुरा करके प्रेजेंट मैथमेटिक्स को बनाया गया है। दुनिया की फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने वाली जो लेडी है वो वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेशन करती है, ये बात हमें पता ही नहीं थी। 16 नंबर्स ऐसे लिखो, 16 नंबर्स ऐसे लिखो, नेक्स्ट लाइन में आंसर देगी, नेक्स्ट लाइन में आंसर दे देगी वो मल्टीप्लिकेशन डिविजन का, कैलकुलेटर फेल हो जाता है, कंप्यूटर फेल हो जाता है, वो कैसे देती है आंसर बताओ, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिविजन नहीं है, उसके अंदर पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक की लिमिट्स भी है, जो लिमिट लगाते ना 0 to infinite, 1 to 2 लगाते ना लिमिट, वो सब उसके अंदर है। सोचो, थोड़ा सा सोचो कि हमारी संस्कृति कितनी महान, कितनी ज्यादा। अभी मैंने कितने एग्जांपल दिए, कितने एग्जांपल दिए, दो, एक इम्ब्रियोलॉजी, एक वैदिक मैथमेटिक्स, तीसरा जो जिसमें हम पूरा जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी सबने पढ़ा ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल, हाँ जोर से बोलो, भूगोल बोलते हैं। धरती गोल है ये किसने बताया था, वास्को डी गामा, तो दो के नाम पर है, एक वास्को डी गामा ने बताया है, एक गैलीलियो ने बताया है, और एक केपलर ने थ्योरी दी है कि अंडा का ऐसे करके घूमती है उसकी एक्सिस, इस प्रकार से साइंटिस्टों ने बोला। लेकिन कब बोला, बहुत रिसर्च के बाद में, और अब से लगभग 1200-1300 साल पहले ये बात उन्होंने बोली। अब आप एक बात बताओ, जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है हिंदी में, भूगोल, हाँ भूगोल, और ये भूगोल ये हिंदी में नहीं है, ये वेदों में भी ये लिखा हुआ है, क्या है, भू गोल, मेरी तरफ देखो, भू गोल, गोल। कुछ समझ में आ रहा है इस वर्ड का क्या मतलब है, भू मतलब भूमि, गोल मतलब गोल है। तो बताओ किसको पहले पता था धरती गोल है, भारत वालों को पहले पता था कि हाँ धरती गोल है, कितने उदाहरण हो गए, तीन। एक और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, धरती गोल है इसके चक्कर में बहुत झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए, यहाँ तक कि जब पहली बार जब गैलीलियो ने बोला कि धरती गोल है तो उसको सूली पे चढ़ाने वाले थे, क्यों, क्योंकि उस समय पे जो क्रिश्चियनिटी बाइबल के अंदर लिखा था धरती चपटी है, चकोर, अगर समुद्र में हम ऐसे जाएंगे तो नीचे नरक में गिर जाएंगे, ऐसे बोला जाता था।
और ये बाइबल के विपरीत जाकर के क्या बोल रहा है, धरती गोल है, तो ये बाइबल के विपरीत बोल रहा है, इसको सूली पर चढ़ा दो ताकि यहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी। इतना मुश्किल से जा करके उन्होंने माना कि हाँ धरती सचमुच गोल है, धरती सचमुच। लेकिन आप भारत में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स जिसके अंदर 10,000 साल पुरानी मूर्तियां हैं, 20,000 साल पुरानी मूर्तियां हैं, कई कई हजार साल पुरानी मूर्तियां हैं, उनमें जाकर के आप देखो भगवान के दशावतार बने हुए हैं। क्या बने हुए भगवान के? दशावतार, नरसिंह, बरा। उसमें आप बरा भगवान के जो देखोगे ना, बरा भगवान धरती को निकाला था, शुक्र सुवर का जो अवतार, उसमें देखोगे दो दांत के ऊपर क्या रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चपटा नहीं रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? गोल रखा हुआ है। इसका मतलब ये भारत वालों को कितने हजार करोड़ साल पहले से पता है धरती गोल है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पता हुआ है, वैदिक मैथमेटिक्स इनके पास में है, पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस भारत के पास में है। लेकिन ये सब छोड़ करके हम किसके पीछे भागते हैं, किसके पीछे? वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका। जैसा वो पढ़ाएंगे उसको हम मानेंगे, जैसा वो करेंगे उसको हम बेटर मानेंगे। बेटर क्या मानेंगे? वो बेटर है इसलिए हम उनको कॉपी करेंगे। लेकिन जो भारत के विद्वान लोग हैं वो एक बात बोलते हैं, जब सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में जाकर क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। भारत एक पूर्वीय देश है, अगर भारत की पूर्वीय संस्कृति पाश्चात्य की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी? अस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरुवर्ग पूज्य पाशुपत भक्ति वेदांत एसी स्वामी प्रभुपाद, जब वो विदेश इसीलिए गए, जो पूरा भारत उनको कॉपी करने के लिए भाग रहा है, अमेरिका के पीछे भाग रहा है, वो अमेरिका गए सीधा, अमेरिका गए और वहां के लोगों को भक्ति सिखा करके कहां ले आए? इंडिया लेकर के आए। अब उनको देख करके इंडिया वाले भक्ति करना चाहते, ऐसा है कि नहीं बताओ? जो चीज हमको नहीं पता, गीता के अंदर इतने गूढ़ रहस्य छुपे हुए, जो चीज हमें नहीं पता वो लोग सीख चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी लैंग्वेज को होती है तो संस्कृत के ऊपर होती है, क्योंकि मिस्ट्री संस्कृत में ही छुपाई जा सकती है और किसी लैंग्वेज में नहीं छुपा सकते। अगर किसी वस्तु को कोड रूप में रखना, स्टोर करके कोड रूप में, तो केवल संस्कृत लैंग्वेज में ही रखा जा सकता है, और सब लैंग्वेज को आप तोड़ सकते हो लेकिन संस्कृत में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि संस्कृत में एक ही शब्द के हजारों मीनिंग हो सकते हैं। कितने? हजारों मीनिंग। इसलिए जो गीता पढ़ता है उसको अपनी अपनी बातें समझ में आती है, किसी को क्या समझ में आता है, अरे गीता में तो ऐसा लिखा, अरे गीता में तो ऐसा लिखा, गीता में तो ऐसा लिखा। गीता में एक प्रकार का ज्ञान नहीं है, पांच प्रकार का ज्ञान है। साधारण ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्यतम, सर्व गुह्यतम, पांच प्रकार का ज्ञान गीता में है। इसलिए अगर हम चाहें, अगर हम खुद पढ़ करके जान ले तो जान नहीं सकते, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। और रही बात अंधविश्वास, बहुत से लोग बोलते क्या है ये सब क्या है? अंधविश्वास बोलते ना। अच्छा आप बताओ, आप लोग सब बैठे हो, कभी ना कभी जीवन में मैडम ने स्कूल में आज तक आपके जीवन में कभी ना कभी किसी ने जरूर बोला होगा कि ये क्या है? एक अंधविश्वास। बताओ, हाथ खड़ा करके बोलो कि हाँ हमने ये सब बोला है। हमको हाथ अच्छे से हाथ खड़ा करो, मेरे को तो बोला है, सबको बोला है ना, क्या है ये? एक अंधविश्वास। अब मुझे बात बताओ, जब हम स्कूल में जाते हैं ए बी सी डी सीखते हैं, क्या उसका कोई मतलब होता है? कुछ मतलब होता है? ए का क्या मतलब है बताओ? बी का, वन टू का कुछ मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। अगर उस समय मैडम से पूछो कि नहीं हमें तो यही बताओ कि ए का क्या मतलब है, पहले ये ऐसा ही क्यों है, ए ऐसा क्यों है, ऐसा ही पूछ सकते हैं ना मैम से, नहीं हम तो यही, तो बच्चा कहां पर अटक जाएगा? ए पर ही अटक जाएगा, आगे कभी नहीं पढ़ पाएगा। जब वही बच्चा ए बी सी डी पढ़ते पढ़ते फिर ए बी को जोड़ जोड़ के सी ए टी कैट जोड़ते जोड़ते जब पढ़ना सीख जाता है, जब उसको पता लगता है ओ ए का क्या मतलब, बी का क्या मतलब था, जब उनको जोड़ जोड़ के वो पढ़ना सीख जाता है, जब उसको मतलब पता चलता है। इसी प्रकार ये भक्ति है। भक्ति करते करने से समझ में आएगी, केवल सुनने से नहीं। कैसे समझ में आएगी? करने से। वो क्या भक्ति जितना आसान वस्तु तो कोई है ही नहीं, भक्ति जितनी आसान वस्तु कुछ भी दुनिया में नहीं है। इसलिए लेकिन ये भक्ति करने से पहले
सबसे पहले जो चीज हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा तो हो, हमारी श्रद्धा तो हो। अभी तो हमारी श्रद्धा फिल्म एक्टर्स में हो गई, पता नहीं कैसे फिल्म एक्टर्स में हो गई है, अमेरिका के अंदर हो गई है, बड़े बड़े जॉब्स बिजनेसेस इसके अंदर हमारी श्रद्धा हो गई है। और ज्यादा करके जो जीवन है वो केवल एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, पैसा पैसा और पैसा, फैसिलिटीज, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत सारी फैसिलिटी, एसी, हाँ, गीजर्स, ये सब होने चाहिए घर के अंदर, ये होना चाहिए। उनके घर में लग गया, हमारे घर में नहीं है, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ऐसा है कि नहीं? यही तो रेस है। उसके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरे बेटे की लगी, बेटा चार ट्यूशन और लगा ले, पांच और लगा ले, ऐसे करते करते जीवन इसी के पीछे भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। लेकिन हमारे देश से जो जो चीज हम बनना चाहते हैं, जो चीज हम करना चाहते हैं, बहुत आगे अमेरिका है हमसे। अमेरिका आगे है ना, बहुत, फ्रांस बहुत आगे, जर्मनी बहुत आगे इंडिया से, यूके बहुत आगे। अब वहां की रिसर्च पढ़ो ना, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, कितने लोग, 7 करोड़, जो आप भी बोलो कितने, 7 करोड़, वहीं की रिपोर्ट, आप जाकर गूगल पे चेक करो, 7 करोड़ लोग ऐसे जो बिना विदाउट स्लीपिंग पिल्स दे कैन नॉट स्लीप, बिना नींद की गोली खाए वो सो नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते वो, बिना नींद की गोली खाए वो सो नहीं सकते, क्यों, टेंशन, हाइपरटेंशन हो चुका है उन लोगों को पैसे के पीछे भागते भागते। और भारत में देखो क्या भगवान की कृपा है, 10 मिनट कथा में बैठो लोग सो जाते, आ जाती है ना नींद, देखो वहां पे लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी नसीब नहीं हो रही, यहाँ पे फ्री में बट रही है, सच बात है। उनके लिए ये जो चीज हमारे पास सहज रूप में, उनके लिए बहुत कीमती है। यहाँ पर बच्चे 25-30 साल तक माँ के साथ रहते, पिताजी के साथ रहते, उनकी बातें सुनते, मार भी लेते, माँ बाप सहन भी कर लेते, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा भी होता है क्या, चमत्कार, उनके लिए चमत्कार है, क्यों, क्योंकि वहां पे ये सब थोड़े दिन में हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि हम जिनका पीछा करते वैसे ही तो हो जाते हैं ना, थोड़े दिन में वैसे ही हो जाएगा। किसी को कॉपी करने से अच्छा है जो चीज हमारे पास पहले से ही है उसको बना करके रखो, अपनी जो वैल्यू है, हा? अपना जो तुम्हारे पास में धन है उस धन को खुद ही बचा करके रखो ना, फिर दूसरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे पास भागते भागते चले आएंगे। और आ भी रहे, आ भी रहे, आप वृंदावन जाकर के देखो, जितने भारतवासी ना उनसे ज्यादा भक्ति विदेशी लोग करते हैं। भारतवासी लोग वृंदावन में जाएंगे विदेशी कपड़े पहन करके जाते हैं, लेकिन वो जब वृंदावन में आते कैसे कपड़े पहन के आते हैं, वो लोग साड़ी तिलक लगा करके, शिखा रख करके आते हैं, धोती कुर्ता पहन करके आते हैं, और हम कैसे जाते हैं, उल्टा उल्टा हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। इसलिए हमें हमारी संस्कृति से दूर नहीं जाना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति के पास रहना चाहिए। कैसी संस्कृति है हमारी, हम लोग राम जी के वंशज हैं। किनके वंशज हैं, राम जी के वंशज हैं। जहां पर देखो राम और दशरथ का क्या प्रेम है, कैसे माताओं का अपने पुत्रों के प्रति क्या प्रेम है, कैसा राम और सीता का आपस में क्या प्रेम और क्या श्रद्धा और क्या त्याग है। और भरत जी का देखो त्याग, और भाइयों भाइयों में क्या संबंध है, कितना मधुर संबंध राम और भरत का देखो, राम और लक्ष्मण का देखो, हा? और सेवक हनुमान जी को देखो, क्या कितना सुंदर, ऐसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ। और कहां मैडोना माइकल जैक्सन के पीछे सारी दुनिया भागती चली जा रही है, हमें नहीं भागना है, हमें किसके पीछे भागना चाहिए, राम के पीछे, किसके पीछे, क्यों, क्योंकि देखो राम मंदिर बन जाने से, राम मंदिर बनेगा ना, हाथ खड़ा करके बोलो बनेगा, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन राम मंदिर बन जाने से राम राज्य आ जाएगा, हाथ खड़ा करके बोलो, कितने लोग, राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा क्या, राम मंदिर बनने से भारत की सारी स्त्रियां सीता जैसी हो सकती है, सारी माताएं कौशल्या जैसी हो सकती है, सारे बेटे राम जैसे भरत जैसे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, कैसे होंगे बताओ, जब हम रामायण को पढ़ेंगे और रामायण को पढ़ाएंगे तब तो जाकर के ऐसा होगा ना, क्या हो जाएगा, नगरी हो अयोध्या सी,
रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जब ऐसा होगा तो राम राज्य आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ राम राज्य आ जाएगा भारत में। नहीं, बैठे बैठे हम लोग देखेंगे कि अरे हमारे सामने राम राज्य आ गया, लेकिन कैसे आएगा? जब हम लोग भक्ति करेंगे और दूसरों को भक्ति कराएंगे। मैंने जैसे शुरू किया था, जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है वो उसको दूसरों को भी उसके अंदर में लगाना चाहिए। अगर हम क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, छोड़ना कुछ नहीं, केवल मोड़ना है, केवल मोड़ना है। भगवान ने तो गीता में नहीं बोला कि अपना शरीर मुझे दे दो, अपने पुत्र मुझे दे दो, हाँ अपनी आंखें मुझे दे दो, अपना हाथ, अपना पैसा मुझे दे दो। भगवान तो ये सब नहीं मांगते, भगवान तो केवल एक ही वस्तु मांग रहे हैं, क्या? मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु मम ऐश्वर्य कौन थे। भगवान बोल रहे अर्जुन केवल अपना क्या देना है मुझे, मन देना है, और बाकी जो काम कर रहे हो करो। सुबेरे उठो, सुबह उठो तो क्यों उठे, सुबह उठे तो क्यों उठे, ठाकुर जी को उठाना। अब हम उठ गए हैं, हमें ये जो जीवन का अवसर मिला है, क्योंकि कितने लाख लोग हैं जब सुबह का सवेरा नहीं देख पाए, नहीं देख पाए ना, ऐसा होता है ना, कितने लोग सुबह आज सवेरा नहीं देख पाए, क्योंकि वो लोग क्या हो गया, मर गए। लेकिन भगवान ने हमें अवसर दिया, हमें सवेरा देखने का मौका दिया, इसका मतलब क्या है, हमें भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? थैंक यू, साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान आपकी कृपा से मैं सवेरा देख रहा हूँ, धन्यवाद, आज मैं सारा दिन आपका भजन करूंगा। क्या करूंगा सारा दिन आपका भजन करूंगा। सुबह उठो, स्नान करो, हाँ तिलक लगाओ, तिलक लगा करके ठाकुर जी की मंगल आरती करो सुंदर सुंदर, उसके बाद में तुलसी परिक्रमा करो, ठाकुर जी का नाम करो। नौकरी करने जाओ तो नौकरी करने क्यों जाओ? नौकरी करने जाऊंगा पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा उसी से तो खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। जो भी हम कमाएंगे उसकी मेन वस्तु मेन क्या होता है, खाना ही तो होता है ना। आदमी सुबह से लेकर शाम तक क्यों मेहनत करता है, खाने के लिए, खाना है ना, उसको लाओ पकाओ, सब्जी लाओ पकाओ, लेकिन सीधा मत खा जाओ, क्या करो ठाकुर जी को भोग लगाओ। जब हम उसको भोग लगाएंगे, उस भोग लगाने से क्या होगा, देखो कितना, मैं आपको एक इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। जब अन्न खेत में लगता है ना, ऐसे नहीं लग जाता, उसमें कितने किसानों का, मजदूरों का खून पसीना होता है। जब हल चलता है तो कितने केचुए, कितने सारे कीड़े उसके अंदर में बढ़ते, वो सारा कष्ट उस अन्न के अंदर छुपा हुआ, क्या हुआ, उस अन्न के अंदर छुपा हुआ। वही अन्न जब मंडी में आता है, रेट नहीं मिलने से, नहीं होने से, कितने लड़ाई झगड़े और कितने व्यापारी लोग मर जाते, वो दुख कष्ट किसमें छुपा हुआ है, उस अन्न में। हम सोच रहे हैं कि हम अपने पैसे से अन्न खरीद लाए और ये अन्न साफ, नहीं, उस अन्न के अंदर वो सब क्या हुआ है, छुपा हुआ है। जब हम लाएंगे उसको रसोई में पकाएंगे और खा जाएंगे, समझो हमने पूरा का पूरा क्या खा लिया, पाप खा लिया, क्या खा लिया, पाप। हम लोग अभी सब क्या खा रहे हैं, जब हम रोज पाप खा रहे हैं तो हमारे को अच्छा कैसे हो सकता है, बताओ। कष्ट तो आएंगे ना जीवन में, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं ऐसे से मत खाओ, मेरे को अर्पण करके खाओ, उससे क्या होगा, उसमें जो दोष है उसको मैं खत्म करूंगा। और वो जो साधारण खाना नहीं, वो क्या होगा, भोग, भगवान का प्रसाद होगा, क्या होगा, भगवान का, जिसको भगवान गीता में बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्योतिष्ठते। वो बुद्धि तीक्ष्ण होगी और सब सारे दुखों का वो प्रसाद क्या कर देगा, नाश कर देगा। और सब लोग अब अपने अपने घर में लगाओगे ना ठाकुर जी को भोग, कौन कौन के मन में ऐसी भावना आती कि हाँ हम ठाकुर जी को भोग लगा करके खाएंगे, आती है ना भावना, आती है ना। और दूसरा तुलसी पूजा, दूसरा क्या, लेकिन ये सब करने से पहले हमें क्या करना चाहिए बताओ। सबसे पहला काम है
अपने जीवन में एक गुरु को धारण करना चाहिए। संसारिक शिक्षा देने के लिए टीचर होता है ना, स्कूल में एक टीचर होता है ना, ABCD सिखाता है, मैथमेटिक्स का टीचर, साइंस का टीचर, हिस्ट्री का टीचर, और घर के अंदर माँ बाप भी एक टीचर है, टीचर है ना, वो लोग भी हमें सिखाते हैं, नहीं बच्चों ऐसा करो ऐसा करो, सब लोग कोई कोई टीचर है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए भी एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने जीवन में क्या धारण करना चाहिए, एक गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरई ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना ये भवनिधि से चाहे शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो कोई भी पार नहीं पा सकता। इसलिए गुरु को लेकर के और रोज देखो, सबका घर वृंदावन बन सकता है, क्या हो सकता है सबका घर, उसकी क्या कंडीशन है बताओ, एक कंडीशन है इसको मीराबाई एक कीर्तन में लिखती है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे वृंदावन नी, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, वो घर नहीं है वो क्या है, वृंदावन। इसलिए आप लोग सब भागवत में आए हैं, यहाँ से जो गुरु जी बता रहे हैं उसको सीख करके अपने जीवन में गुरु जी ठाकुर जी का नाम, क्योंकि कल जो केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कि ठाकुर जी का नाम लेकर के जाना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, इसलिए यहाँ से राम जी को लेकर के जाओ, राम जी की सेवा को लेकर के जाओ, ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हाँ देखो, कल कथा में सबसे बढ़िया दिन है, कल क्या है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, इसलिए जब मैया यशोदा गर्भ धारण की ना, जितने ब्रजवासी ब्रज गोपियां थी वो 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा बना कर रखे और चुंदरी बना करके रखी, बोले नंदे के लाला होगा तो पहन करके हम बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल सबके साथ भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, सबके सब बधाई देने के लिए आना, ठीक है, जितने माताएं हैं सबसे सबके सब कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगी, कहते पीले रंग के, कौन सा रंग के, कोई दूसरा रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं हो तो दूसरे उधार कर लेना, लेकिन पहनना क्या है, पीला रंग के पहना, और जैसे गोपियां बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी ना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके सज धज करके, क्यों कल भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, बोले श्री नंद के लाला की जय, जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके आना, और हमारे जो भाई लोग हैं माताएं तो साड़ी पहन करके आएंगे, और हमारे भाई लोग क्या पहनेंगे, क्या क्या पहन के आएंगे आप लोग, सब धोती कुर्ता, सबके सब धोती कुर्ता पहन करके आना, कोशिश करना अगर किसको पास में, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, आप वृंदावन में जाओ अंग्रेजियों को देखना, हम तो उनको नकल करके साथ पैंट पहनते हैं, फिर वृंदावन में जाकर अंग्रेजी को देखना, लंदन अमेरिका फ्रांस जर्मनी देखोगे सब, इसको नहीं जाकर के देखना, सब धोती कुर्ता पहनोगे। अभी रशिया में लड़कियां सरकार के ऊपर केस कर दिया, जान तो क्या केस किए, कहते हम ये साड़ी पहन करके क्यों हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, वहां पर केस किया है, ये साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे देश में ये जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाएंगे, दुनिया कैसे उल्टा हो रहा है, वो जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाएंगे, अभी रशिया में लड़ाई कर रहे हैं लड़कियां, बोले हम साड़ी पहन करके जाएंगे, इसलिए कोशिश करना भाई लोग, अगर आपको घर में हो धोती कुर्ता, कोशिश करना उसको पहनने के लिए, नहीं तो कम से कम सफेद रंग का कुर्ता पहनना, पहन करके आना, और बड़े धूमधाम से कल हम लोग भगवान के नंद महोत्सव बनाएंगे, और देखो कल कृष्ण जन्म लेंगे ना, ये कथा सब आप लोगों के द्वारा हो रही है, आप लोगों की मदद से, इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ जैसे टफी चॉकलेट खिलौना कोशिश करना लाने के लिए, जैसे बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, लेकिन कृष्ण सबका बच्चे है, सबका कृष्ण बच्चे हैं, कृष्ण को जिस रूप में आप चाहोगे ना, कृष्ण उस रूप में हमारे पास में ठाकुर जी आते हैं,
इसलिए कुछ ना कुछ लेकर के आओगे, उसको आप लोगों को ही मिलेगा। हाँ, इस सब आप लोगों को ही देंगे, उसको लुटाएंगे, ठीक है। और एक प्रार्थना है, कोशिश करना। देखो आज मैं कितने बजे आ गया था, 4:30 बजे करके, पहले मैंने बोला था ना आज 4:30 बजे, केवल 3-4 भक्त लोग थे। अभी देखता हूँ 1 मिनट पहले कुछ भक्त लोग आए, 1 मिनट पहले, अभी भी कुछ आ रहे हैं। देखो ये जो कथा हो रही ना, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, ये कथा शंकर जी ब्रह्मा जी के लिए भी कथा दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कथा की। इसलिए अगर सिनेमा देखने के लिए जाओ, बताओ कितने बजे सिनेमा देखने के लिए जाओ, तो बीच में जाते हैं ना, लास्ट में जाते हो, जो शो आरंभ होती उसको पहले जाते हैं। और भगवान की कथा कितने भाग्य से ठाकुर जी कथा मिलता है, इसलिए केवल 4-5 दिन ही केवल बाकी रह गया। इसलिए कोशिश करना, अगर जल्दी जल्दी आ जाओगे तो कथा की आनंद, कीर्तन का आनंद, सबका आनंद आप लेकर के जाओगे। इसलिए कोशिश करना है, कोशिश करना थोड़ी सी जल्दी आने के लिए। और यहाँ प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद भी यहाँ पर मिलती है, सब चीज मिल जाती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, कोशिश करना पहले से आने के लिए, ठीक है। अभी देखा मैं 10 मिनट पहले ही लोग आए यहाँ, और अमदी जी बोल रहे थे 7:30 बजे कथा को खत्म कर दिए, खत्म कर देना 7:30 बजे है, लेकिन 7:30 बजे खत्म कर तो आधा लोग भी। इसलिए देखो प्रसाद प्रसाद है ही है, कथा भी एक भगवान की, सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान की कथा प्रसाद, ठीक है। इसलिए आपसे प्रार्थना, कल ठाकुर जी का जन्म तिथि होएगा, सत धज करके नियम है व्यास आने से पहले आ जानी चाहिए, व्यास आने से पहले कथा में आ जानी चाहिए, ठीक है। और मैं 5 बजे से पहले मैंने कथा को शुरुआत कर दी थी। मैंने बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज तो मैं सोच रहा था एक माला जब करवाएगी, लेकिन टाइम हो गया, फिर कल करवाएगी। बोले गुरुदेव महाराज की, श्रीधर महाराज की, वैष्णव वृंद की, जोर से बोल दो राधे 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 राधे। देखें सतगुरु कितने दयालु होते हैं। महाराज जी ने ना गागर में, क्योंकि महाराज जी को पता है कि भक्तवृंद इतनी देर तक बैठेंगे नहीं, नहीं तो महाराज जी ने तो बैठ गया तो 10-10 बजे तक भी कथा की है, लेकिन यहाँ पे इतना सामर्थ्य नहीं है कि बैठ पाए। अभी और मैं अभी मैं जहाँ कथा करके आया ना, 10:30-11 बजे तक हमने कथा की। अभी मैंने फरीदाबाद में कथा की, सोसाइटी के अंदर में मैंने 11 बजे तक वहाँ पर कथा की, 11 बजे कथा की विश्राम हुई। लेकिन एक माता जी यहाँ पर बता रही थी, कल कोई बोल रही थी, 8 बज गई, कौन सा बाबा है जो 8 बजे तक भी कथा कर रहे हैं 8 बजे। लेकिन जब सिनेमा देखते ना, शो देखते हैं, 3-3 घंटा बैठ करके देखते हैं, 3-3 घंटा। अभी मैं देखा बोला आधा घंटा पहले ही आए, कुछ माताएं कुछ भाई लोग ही थे, आधा घंटा पहले ही अब यहाँ पर आए। और मैं आ गया था 4:30 बजे यहाँ आ गया था व्रत, और 5 बजे अंदर में कथा शुरू कर दी थी। इसलिए हनुमान जैसे कथा सुनो, कैसे सुना, कैसे सुना, देखो 1 मिनट कथा सुना देता हूँ। अब तुलसीदास का नाम सुने हो, देखो तुलसीदास, एक समय तुलसीदास जब शौच क्रिया में जाते थे, जैसे पहले लोटे में पानी ले जाते थे, एक नीम की वृक्षा में जब पानी बच जाते थे उसको डालते थे, लेकिन उसी नीम वृक्षा में एक प्रेत रहता था। जो प्रेत होते हैं वो पवित्र पानी नहीं पी सकते, वो अपवित्र पानी को पीते हैं। जब तुलसीदास जी पानी दिए, हठात एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ, बोले बाबा आपका पानी से ही मैं जिंदा हूँ। बोले मैंने कब पानी दिया, बोले मैं प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हूँ, कोई पवित्र पानी में नहीं पी सकता हूँ, जो आपकी शौच क्रिया को बाद में जो पानी बच जाती थी अपवित्र है, आप ये पेड़ में डालते थे ना, मैं पानी पीता था, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश, बताओ तेरे को क्या चाहिए। लेकिन तुलसीदास तो राम का भक्त है, उन्हें बोले दे सकते हो, बोले हाँ बताओ, बोले मैं प्रभु राम और लक्ष्मण को दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कहा अगर मैं तुमको राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकता था, पर मैं ये प्रेत जन्म क्यों प्राप्त किया, पहले तो मेरी मुक्ति हो जाती, लेकिन मैं तेरे को रास्ता बता सकता हूँ। बोले बताओ, बोले अमुक स्थान पर जाओ, देखना वहां रोज प्रभु राम की कथा होती है। आप देखना कथा से पहले, सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा और सबसे पीछे बैठेगा, और ऐसे नहीं बैठ जाएगा। कथा का नियम है, जब कथा स्थल को प्रणाम करो,
कथा बोलने वाले सुनने वालों को प्रणाम करो, क्योंकि जहां पर कथा होती है वो कथा पवित्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं, वो स्थान पवित्र है। प्रणाम करके कोने में बैठा रहेगा सबसे पीछे, और आंखों से आंसू बहाते हुए कथा सुनेगा, और हाथ जोड़ करके रोमांच होते हुए कथा सुनेगा। जब सबके सब चले जाएंगे वो क्या करेगा, उस स्थान पर लौट पुट खाएगा, वहां का चरण धूलि लगा करके जाएगा, उसे हनुमत लाल है। आप उनकी चरण को पकड़ लो, बस राम लक्ष्मण मिल जाएंगे। सचमुच से जब वहां गए देखा कथा, सबसे पहले वही व्यक्ति आया और सबसे कोने में हाथ जोड़ करके बैठ करके प्रेम से उन्होंने कथा सुना, प्रेम से उन्होंने कथा सुनी प्रभु की। कथा सुन करके जब सबके सब चले गए, जब जा रहे थे ना, इतने में तुलसीदास जी झट चरण पकड़ लिए, बोले देखा तेरे को परीक्षा करेंगे, छोड़ना नहीं चरण हनुमान जी। जब चरण पकड़ लिए बोले भैया मैं एक शूद्र हूं, मेरे चरण क्यों पकड़ लिया, अपवित्र हो गया, छोड़ छोड़। बोले प्रभु मेरे को पता है आप स्वयं हनुमत लाल जी हो, आप मेरे ऊपर में कृपा करो। तो हनुमान ने बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा दो। बोले एक काम करना, बोले चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ और तुलसी जास चंदन घी से तिलक दे तरोगे, जाओ चित्रकूट घाट में ही तेरे को दर्शन मिलेगा। और हनुमान की कृपा से ही तुलसीदास को साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कथा में, हनुमान जैसे कोई ज्ञानी हो सकता है, हनुमान जैसे भक्त कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए वो सबसे पहले कथा में जाती है। देखो और एक चीज ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह से सुनो, कथा की क्या लाभ है। आप देखना हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई पत्नी से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पैसा से, कोई पड़ोसी से, कोई बिजनेस से, संसार में हम सबके सब दुखी है। लेकिन एक चीज को आप लक्ष्य करके देखना, जैसे यहाँ 2-3 घंटा बैठोगे ना, आपका संसार का कोई दुख तुम्हें याद है, बताओ संसार का कोई कष्ट तुम्हें याद है, कुछ याद नहीं। कहते जो कथा में बैठते हैं ना वो बांके बिहारी की गोद में बैठते हैं, केवल ये कथा से गेट को बाहर से आप निकलो, संसार का सारे दुख पहाड़ जैसे आकर सर पर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक आप कथा में बैठे हो कोई दुख कष्ट आपको सता नहीं सकते, क्यों, बांके बिहारी की गोद में आप बैठे हो। इतने लाभ गोपियां कहती है श्रवण मंगलम, भगवान की कथा जो सुनेगा जीवन में मंगल मंगलमय होगा, इतने लाभ कथा में। कथा कोई साधारण वस्तु नहीं तो ब्रह्मा शंकर नारद जी कथा क्यों सुनते। इसलिए प्रार्थना है, कोशिश करना थोड़ी सी कथा में जल्दी। देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं सबको एक एक देखता हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं सब चीज को देखता हूँ, ठीक है ना, कोशिश करना। और केवल 4 दिन ही है, कथा को ध्यान से कथा सुन। तो शुरुआत की थी कि सदगुरु बहुत दयालु होते हैं। महाराज जी को पता है कि बहुत कम समय है, इसलिए गागर में सागर पिरो रहे हैं। जैसे महाराज जी ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति के बारे में बताया उन्होंने कि कृष्ण की है, और साथ में एक शब्द बोला कि देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए। अब कई बार ये सुनने को मिल जाती है, तो गौड़ी मठ वाले हैं ही ऐसे, सारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा देते हैं, लेकिन महाराज जी के कहने का अर्थ ये नहीं है। इसीलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि महाराज जी ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई, सर्वश्रेष्ठ भक्ति श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और जो देवी देवता है, क्योंकि पता है कि संसार में तो पहले से ही आसक्त है जीव, इसलिए देवी देवताओं के करीब इसलिए मना किया गया कि जब तक आपकी संसार की आसक्ति रहेगी तब तक आप देवी देवताओं के अंदर में रहेंगे ही रहेंगे, वो कोई भी देवी देवता आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों, जब तक आपकी आसक्ति नहीं खत्म होती तब तक वो परम तत्व को पहुंचा ही नहीं सकते। और हमारे महाराज जी ठहरे सतगुरु, सतगुरु वो जो परम तत्व से मिला गए, तो वो आपको परम तत्व की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर सिर्फ कहने का यही तात्पर्य है कि जीव को भक्ति करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ भक्ति करनी चाहिए जो श्रीमद् भागवत में है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को तो आप जानते ही हैं, कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करें, सभी जानते हैं ना। तो महाराज जी की इस बात का और मेरी इस बात का कि मतलब ये कहीं मैं अपनी बातों में लेकर आ रही हूँ, महाराज जी ने पता नहीं कहाँ से बोल दिया कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को आप लोग सब जानते हैं, वो क्या करते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, कितने बड़े देवता हैं। वो कृष्ण की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं,
ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा, यानी ईश्वरों के भी जो ईश्वर है वो परम कृष्ण है। यहाँ पे महाराज जी या मैं या कोई और नहीं कह रहा, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो स्वयं देवता है। तो यहाँ पे ये प्रमाण है कि परम तत्व की तरफ आपको लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये है कि सबका आदर कीजिए, सभी देवी देवताओं का आदर है, लेकिन भक्ति तो सिर्फ भगवान की ही होती है और भगवान एक ही है, लेकिन उसको समझने में टाइम लगेगा। जैसे प्रभु जी ने बताया ना अल्फाबेट ए बी सी डी, जब वर्ड से वर्ड मिलेंगे, जैसे संस्कृत में प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि भागवत में हमने तो ये पढ़ा था, इसका अर्थ तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हैं। कोई शुद्ध भक्त कौन, जो ठाकुर जी के प्रेम में ही मग्न हो, वही प्रेम का अर्थ जान सकता है, वही प्रेम का अर्थ समझा सकता है। जो प्रेम करना ही नहीं जानता वो प्रेम का क्या अर्थ बता सकते हैं। और जैसे उससे पहले बताया था कि प्रेम का क्या गुण है, सेवा करना। यहाँ पर भी हम लोग सब सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें किसकी सेवा करनी चाहिए ये नहीं पता, इसीलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये चीज है। और दूसरा प्रभु जी ने बोला कि भागवत किसने रखवाई है, जरूर कोई अच्छा होगा जिसने ये भागवत रखवाई है और जितना सबका कल्याण है। लेकिन प्रभु जी को ये सुन के हैरानी होगी कि जितने लोग सब बैठे नहीं, इन सबने रखवाई है। जब सबको पता चला कि एक यहाँ पे भागवत यज्ञ का आयोजन हो रहा है, क्योंकि किसी भी भागवत कथा को रखवाओ तो 4 से 5, 5 से 6 लाख रुपया लग जाता है अगर अच्छे से सब कुछ हो। तो उसमें हर एक जीव ने आके ये कहा कि अच्छा श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, चलो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो दे सकते हो दिया। और उन्होंने कहा कि आप भागवत रखा करवाइए, हम आपके साथ हैं। तो जितने भी लोग हैं और जिसने भी जिस अमाउंट में अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सेवा दी है, तो उन सबने भागवत रखवाई है, तो उन सबके लिए तो तालियां हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक माध्यम बनते हैं एक आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये सब आप लोगों का ही है, ये आपकी ही भागवत है। हर एक एक घर से एक एक रुपया भी जिसके पास से आया है तो उसने अपने इस भागवत में योगदान दिया है। बस और ज्यादा, क्योंकि आपके समय की बड़ी सीमा है यहाँ पर, तो और ज्यादा ना कहते हुए बस यहीं पे अपने जीवा को विराम लेती हूँ। और आज की जो प्रसाद सेवा है, वो लोग इतने दूर दूर रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे शुद्ध भक्ति का प्रचार है, सेवा है, भावना है, तो वो दूर बैठे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनकी सेवा और प्रसाद का एक दिन का वो करते ही है। ऐसे ही एक तरह से पूरा हमारा परिवार बना हुआ है जो इस भागवत को बहुत मजबूत करता है। वो आगे नहीं आते हैं, पीछे रह के इतना सपोर्ट करते हैं कि खड़ी तो मैं ही अकेले नजर आती हूँ, लेकिन कितने लोगों के इसमें हाथ है ना, ये सिर्फ मेरा हृदय ही जानता है। और उन सब हाथों को मैं हृदय से सलाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ हरि गुरु वैष्णव की उनके ऊपर इतनी कृपा करे, इतना कृपा करे कि ये जीवन उनका भक्तिमय बन जाए और उनको सद्गुरु और वो लोग धन की प्राप्ति हो जाए। आज की जो प्रसाद सेवा है सुनील जी और अरुण जी की फैमिली की तरफ से है, और आरती जो है हमारे प्यारे लाला जी करेंगे। उनका नाम तो जरिंदर जी, पूरी फैमिली है और इनका बहुत अच्छे, मतलब इनकी श्रद्धा भाव भक्ति बहुत है और इतनी मेहरोली से आए हैं, लेकिन फिर भी हमारी इस भागवत से जुड़े हुए हैं और हमेशा कहते हैं कि आप करवाओ हम बैठे हैं। इनके लिए जोरदार प्रतालियां हो जाए। अब हरि गुरु वैष्णव से बस यही प्रार्थना है कि इनका धन निधान और भक्ति से जीवन भरा रहे। हरे कृष्ण। हाँ, सबके सब खड़े हो जाओ, सामने सबके सब आओ।